देखिए जो आपके एल और साथ ही साथ आपके मार्कोव चेन का टेस्ट हुआ था उसका सोल्यूशन आपको करना है देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि आपके पार्ट बी का क्वेश्चन है कहता है सपोज दैट मोड थ्री एक्स प्लस मोड टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू वन यहाँ पे क्या है सपोज दैट मोड थ्री एक्स प्लस मोड टू वाई इज लेस देन इक्व टू वन देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नाइन एक्स प्लस फोर वाई इज क्वेश्चन कैसा है क्वेश्चन आपके एल का है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का है तो अच्छे से सॉल्व करना है और यहाँ पे थ्री मार्क गेन करना है ठीक है देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है? कहता है थ्री एक्स की एप सोलूट वेल्यू प्लस टू एक्स की एप सलूट वेल्यू और लेस देन इक्व टू वन है और यहाँ से आपको मैक्सिमम वैल्यू किसकी बतानी है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका नाइन एक्स प्लस का फोर इन टू है ठीक है ये ये तो आपके एल पी पी का रहा अब यहां पे एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्व टू जीरो नहीं गिवन है तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको वो तो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है ठीक है और एल पी पी के अंदर ऐसा ही पॉसिबल होगा तभी ये क्वेश्चन डेवलप किया गया होगा ओके तो ये चीज मान के चलिए अब यहाँ पे क्या है ये जो है एब्सोल्यूट वैल्यू है इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू है तो टोटल कितने क्वेश्चन बनेंगे चार ही क्वेश्चन बनेंगे कैसे कैसे बोथ पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यहाँ का जो है यहाँ का पॉजिटिव यहाँ का नेगेटिव फिर इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव इसके बाद बोथ नेगेटिव ठीक है चार कॉन्स्ट्रेंट्स बनेंगे जो कि इस तरीके से होंगे थ्री एक्स प्लस टू एक्स लेस देन इक्व टू वन माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स लेस देन इक्व टू वन और ये एक है आपका नेक्स्ट क्या होगा माइनस थ्री एक्स प्लस का टू एक्स लेस देन टू वन और ये आपका थ्री एक्स माइनस का टू एक्स लेस देन टू वन यहां पे आपके चार सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे और जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन होगी वो आपकी ग्रेटर दैन इक्व टू जीरो और वाई आपकी ग्रेटर दैन इक्व टू जीरो होनी चाहिए ठीक है ओके okay. अब यहां पे देखिए यक्स की वैल्यू जब जीरो होगी तो वाई की वैल्यू क्या होगी वन बाई टू जब आपका वाई जीरो होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी वन बाई थ्री यहाँ पर आइए ये तो इसका पॉइंट रहा और इसका सबका पॉइंट निकाल ली, और यहाँ से जो है आपको ग्राफ ड्रा करना है दो वेरिएबल के अंदर इन्होंने वर्क किया है इसलिए आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड ठीक है इजी होगा तीन वेरिएबल में यदि यहाँ पे होता है एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल में आपको एल पी पी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गिवन होती तो आप कैसे सॉल्व करते उसको आप सिंपलेक्स मेथड की हेल्प से सोल्व करते ठीक है बट एग्जाम के अंदर आपको सिम्प्लेक्स मेथड से सोल्व करना इजी काम नहीं होगा इसलिए आपको दो वेरिएबल के अंदर क्वेश्चन है एल पी पी का तो उसको सॉल्व कीजिए तीन वेरिएबल में है तो स्किप कीजिए ठीक है अब यहाँ से देखिए जब यहाँ पे x की वैल्यू जीरो होगी तो y की वैल्यू आपकी माइनस का वन बाई टू और जब y जीरो होगा तो x की वैल्यू माइनस का वन बाई थ्री होगी सिमिलरली यहाँ पे आएंगे x की वैल्यू जीरो y की वैल्यू वन बाई टू और यहाँ पे y जीकोस टू जीरो होगा तो x की वैल्यू माइनस का वन बाई थ्री सिमिलरली यहाँ पे आएंगे आप तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू माइनस का वन बाई टू और वाई जी कोस टू जीरो एक्स टू वन बाई थ्री ओके अब यहाँ पे इन सबके पॉइंटों को पॉइंट से आपको क्या करना है स्ट्रेट लाइन बनानी है ठीक है तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा यहाँ से आपको जो है वन पॉइंट वन बाई टू का मतलब जीरो पॉइंट फाइव और यहाँ से जो है वन बाई थ्री का मतलब क्या है जीरो पॉइंट थ्री थ्री या नाइन वन टेन और ये आपका जो है जीरो पॉइंट थ्री थ्री समथिंग होगा ठीक है तो यहाँ से हम मान के चलते हैं ये हमारा जीरो पॉइंट थ्री है और ये जो है हमारा जीरो पॉइंट फाइव है अब यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे जो है आपको वन बाई थ्री है और वाई एक्सिस पे आपकी वन बाई टू है तो यहां से आपको जो है जीरो पॉइंट फाइव पॉजिटिव का और यहाँ पे नीचे आप ले लीजिए माइनस का जीरो पॉइंट फाइव ठीक है पॉजिटिव का हो चुका नेगेटिव का हो चुका अब आपको जो है एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में वर्क करना है क्या है एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में आपको वर्क करना है दैट मीन्स इसके नेगेटिव डायरेक्शन में जो आएगा वो आपका माइनस का जीरो पॉइंट थ्री और ये आपका जो है माइनस का जीरो पॉइंट फाइव होगा अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ऊपर जो टोटली totally वर्क है वो आपका कहाँ पे है वो आपका जो है वन बाई थ्री दैट मीन्स जीरो पॉइंट थ्री पे है ठीक है मतलब एक्स एक्सिस पे तो इसी से काम चल जाएगा और वाई एक्सिस पे आपको वन बाई टू दैट मीन्स यहाँ पे और यहाँ पे वर्क करना होगा ठीक है अब यहाँ पे इसकी आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ठीक है अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू जीरो y की वैल्यू वन बाई टू मतलब जीरो पॉइंट फाइव ये रहा और यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव की जीरो पॉइंट थ्री थ्री मतलब ये रहा इन दो पॉइंटों को हम मीट करवाएंगे जो कि हमें मीट करवाने से क्या मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा वो आपका थ्री एक्स प्लस टू वाई लेस देन इक्व टू वन लेस देन टू इक्वन है इसका मतलब जो है आपका जो रीजन होगा वो कहा होगा इस स्ट्रेट लाइन के नीचे का पोर्सन आपका पोर्सन होगा ओके okay? ये आपका है अदरवाइज आप क्या कर सकते हो लेस देन टू है इसके नीचे आइए मतलब ओरिजिन की तरफ आइए यदि आपका ग्रेटर देन इक्व होता तो आप क्या करते है? इस स्ट्रेट लाइन से ओरिजिन से दूर चले जाते हैं ठीक है जब ये ग्रेटर देन इक्व की कंडीशन होती तब बट कंडीशन क्या है लेस देन टू इक्वन की है मतलब ओरिजिन की तरफ हमें लेना है अपना पोर्शन ठीक है अदरवाइज दूसरा मेथड यह है कि आप पॉइंट को भी रख करके चेक कर सकते हैं दैट मीन्स यहाँ पे जीरो पॉइंट वन और ये जीरो रख करके चेक करेंगे तो आपको इसके अंदर ही लाई करेगा मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और सेटिस्फाई होगी मतलब अंदर का पोर्शन हमारा पोर्शन है बाहर के किसी भी पॉइंटों को जैसे कि यहाँ पे जीरो पॉइंट फोर और जीरो रखें तो ये आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी और सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये आपका क्या हो जाएगा इसके बाहर का पोर्शन आपका पोर्शन नहीं होगा ओके okay? अब यहाँ पे आएंगे इसको पॉइंट से मिलाएंगे तो क्या होगा माइनस का हाफ मतलब कि वाई एक्सिस पे माइनस का हाफ मतलब ये रहा आपका और एक्सिस पे माइनस का वन बाई थ्री मीनस ये आपका होगा ये रहा और यहां से भी आप ओरिजिन की तरफ ही जाएंगे क्या है ओरिजिन की तरफ ही जाएंगे फिर यहाँ पे आएंगे वाई की वैल्यू वन बाई टू और x की वैल्यू माइनस का ये मतलब इस पॉइंट को तो भी हमें मीट करवाना होगा ओके okay, यहाँ से निगेटिव का हाफ वो भी y एक्सिस पे और पॉजिटिव का वन बाई थ्री मतलब यहाँ पे ये पॉइंट ठीक है ये आपको होगा और यहाँ पे जो है जो कामन पोर्सन होगा ये भी कहता है इसके ओरिजिन की तरफ ये भी कहता है ओरिजिन की तरफ ये भी कहता है ओरिजिन की तरफ ठीक है तरफ, ये भी कहता है मतलब ये देखिए इस तरीके से जब आप करेंगे तो ये ओरिजिन की तरफ जो कॉमन पोर्शन होगा कॉमन पोर्शन तो सिर्फ और सिर्फ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही मिलेगा ये आपका ये होगा एक पॉइंट आपका ये बनेगा और एक पॉइंट आपका ये बनेगा और ये जो पोर्शन है आपका ये क्या होगा ये आपका कॉमन पोर्शन क्या लाएगा ओके मीन्स कॉमन पोर्शन आपका कौन सा है सिर्फ और सिर्फ ये आपका कॉमन पोर्शन बन के तैयार हुआ है ठीक है अब यहाँ पे इस पॉइंट की यदि हम बात करें तो ये पॉइंट आपका कौन सा है यक्स एक्सिस पे पर जीरो वाई की वैल्यू वन बाई फाइव दैट मीन्स वन बाई टू यहाँ पर बात करें तो यक्स की वैल्यू वन बाई थ्री वाई की वैल्यू जीरो है ये पॉइंट आपका जीरो जीरो है अब यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे हम जो है जीरो और वन बाई टू चेक करते हैं तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आती है नाइन इंटू जीरो प्लस का फोर इंटू वन बाई टू आपको वैल्यू मिलती है टू ओके okay? जब आप जो है जीरो जीरो पे चेक करते हैं तो आपको वैल्यू मिलती है जीरो जब आप जो है वन बाई थ्री और जीरो पे चेक करते हैं तो आपको क्या मिलता है नाइन इंटू वन बाई थ्री प्लस फोर इंटू जीरो आपको क्या मिलेगा ये आपको जो है थ्री मिल जाएगा ठीक है टू जीरो थ्री इन सब में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम आपको कौन सी मिलेगी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो तो आपको थ्री मिलेगी क्या है जो मैक्सिमम जेड है उसकी वैल्यू आपको कितनी मिल रही है थ्री मिल रही है और यहाँ से यही जो थ्री होगा यही आपका करेक्ट है आंसर होगा अदरवाइज जो है मान लीजिए कि ये टोटली आपका कॉमन पोर्सन बनता तब भी आप चेक करते तब भी आपका कोई भी मैक्सिमम वैल्यू को नहीं दे पाता क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है और नेगेटिव वैल्यू कभी भी आपकी क्या है मैक्सिमम तो हो नहीं सकती क्योंकि एप्स पे तो वर्क किया नहीं जा रहा है ठीक है तो यहाँ से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी आप चारों पॉइंटों पे यदि चेक करेंगे तब भी भी आपको जो है मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो कितनी मिलेगी वो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको थ्री मिलेगी तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा आप देख लीजिए कि किस ऑप्शन में आपका थ्री है आपके ऑप्शन नंबर थर्ड में ही थ्री है मतलब आप कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू लेस टू वन एक्स वन प्लस टू टेन और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या है एक्स वन एक्स टू ग्रेटर टू जीरो द प्रॉब्लम हैज नो फिजिबल सोल्यूशन हैज इन फाइनेटरी मेनी ऑप्टीमल अ यूनिक ऑप्टीमल सोलूशन हैज एन अनबाउंडेड सोल्यूशन ओके तो इसको भी आपको क्या है दो वेरिएबल के अंदर क्वेश्चन गिवन है तो आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड की हेल्प से ओके okay? और देखेंगे कि यहां से कौन सा आंसर आपका मैच करता है देखिए जेडजी को स्टू वो भी कैसा है मैक्स जेड जी को एक्स वन प्लस फाइव बाई टू इंटू एक्स टू जब आपको x और y में गिवन हो या फिर जो वेरिएबल है वो आपके चेंज कर दिए जाते हैं x1 और x2 से तब भी आपको को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ठीक है अब यहाँ पे जो है सब्जेक्ट टू द कॉन्सटेंट्स क्या है सब्जेक्ट टू द कॉन्सटेंट्स आपका फाइव एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू लेस देन इक्व टू फिफ्टीन और नेक्स्ट क्या है आपका माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू लेस देन टू वन एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू लेस देन टू टेन यहाँ से जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है एक्स वन एक्स टू ग्रेटर देन इक्व टू जीरो अब यहाँ पे इसको आपको करना है क्या सोल्व ठीक है अब यहाँ पे सोल्व करने के लिए यहाँ पे पहले इक्वलिटी लेते हुए एक्स और वाई मतलब यहाँ पे दो पॉइंट निकालिए ठीक है थीके? दो पॉइंटों को मीट करवाइए स्ट्रेट लाइन बनेगी और स्ट्रेट लाइन बनते ही आपको रीजन देखना होगा कि कैसा रीजन आपको मिल पा रहा है ठीक है ऐसा तो आपको करना होगा और यहाँ पे जो है क्योंकि ग्राफिकल मेथड से आप सोल्व करना चाहते हो तो यहाँ से आपको x1 की वैल्यू जीरो और x2 की वैल्यू थ्री फाइव या फिफ्टीन और यहाँ से जो है x2 की वैल्यू जीरो तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या मिलेगी फाइव थ्री या फिफ्टीन थ्री और जीरो यहाँ पे आएंगे x1 की वैल्यू जीरो x2 की वैल्यू वन और x2 की जब जीरो करेंगे तो x1 की माइनस का वन ठीक है यहाँ पे आएंगे x1 की वैल्यू जीरो x2 की वैल्यू फाइव टू या टेन और यहाँ से x2 जब आपका जीरो होगा तो x1 की वैल्यू क्या आएगी टेन आएगी ये तो ठीक है अब यहाँ पे देखिए टोटली किससे चलना है वन थ्री फाइव ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और नेगेटिव में कहाँ तक जाना है नेगेटिव में तो सिर्फ माइनस का वन तक जाना है ठीक है ये रहा आपका और पॉजिटिव में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव ओके अब यहाँ पे जीरो फाइव और फाइव थ्री मतलब y जिकोस टू फाइव और x जिकोस टू थ्री देखना है y जिकोस टू फाइव और x जिकोस टू थ्री इन दो पॉइंटों को आपको क्या कराना है मीट करवाना है ठीक है ये रहा आपका और ये कहता है लेस देन इक्विफ्टीन मतलब ओरिजिन की तरफ ये पोर्शन आपका ओके अब यहां पे कहता है माइनस एक्स वन प्लस मतलब ये आपका है ठीक है और ये भी कहता है लेस देन इक्वन मतलब ये भी आपके ओरिजिन की तरफ ही बोल रहा है ठीक है अब यहां पे एक्स की वैल्यू टेन और वाई जिक्वल टू आपका टू है ठीक है ये टेन है और ये आपका टू है आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा सिर्फ और ये आपको जो है इसके भी नीचे है मतलब जो कॉमन पोर्शन है आपका वो ये है क्या है जो कॉमन पोर्शन है वो आपका ये है टोटली totally यही आपका कॉमन पोर्शन होगा ए बी सी डी और ये आपका ई e. ए पॉइंट आपका क्या है जीरो जीरो और ये बी पॉइंट आपका क्या है बी पॉइंट आपका थ्री जीरो है सी पॉइंट आपको पता नहीं है डी पॉइंट भी आपको पता नहीं है और ये ई e पॉइंट जो है आपको पता है एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू वन और सी और डी जो पॉइंट होंगे उनको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको आप जो है ये देख लीजिए कि किस किस लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा है उन दो लाइनों को जो है लाइन लाइन दो लाइन होंगी तो मतलब दो इक्वेशन मिलेगा दो इक्वेशन से आपको एक्स और वाई की वैल्यू ईजिली मिल सकती है ठीक है लेस देन टू को छोड़ते हुए आप इक्वेलिटी पुट करते हुए सोल्व करेंगे तो आपको वहां से एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी और ये आपकी जो पॉइंट मिल रही है इस लाइन के और इस लाइन के इंटरसेक्शन में से मिल रही है और जो डी पॉइंट मिल रहा है आपको इस लाइन से और इस लाइन के इंटरसेक्शन से मिल रहा है उन दो लाइनों को सोल्व करेंगे बट ध्यान रहे कि इक्वेशन आपका सही होना चाहिए अदरवाइज जो है यहाँ पे तो आपने इक्वेशन लिखा नहीं है अब आप देख लीजिए कि किस लाइन का ये इक्वेशन है ये जो इक्वेशन है टू और टेन वाला क्या है टू और टेन मतलब ये वाला एक इक्वेशन और एक जो है आप कौन सा सोल्व करेंगे थ्री और फाइव का मतलब इसको और इसको जब सोल्व करेंगे मतलब पहले और तीसरे इक्वेशन को इक्वेल डिब्यूट करते हुए तो वहां से आपको c की वैल्यू मिलेगी जब आप इसको थर्ड वाले को और सेकेंड वाले को सोल्व करेंगे तो वहां से आपको पॉइंट d की वैल्यू मिल जाएगी बट आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको जस्ट यहाँ पे ये देखना है कि इसके पास कैसा सोल्यूशन होगा क्या कुछ होगा ठीक है कहता है हैज़ नो फिजिबल सोल्यूशन इसके पास कोई भी फिजिबल सोल्यूशन नहीं होगा फिजिबल सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन होता है एक्स और वाई की वो वैल्यू जो आपके नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करे और साथ ही साथ नॉन जो सब्जेक्ट द कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई करे और साथ ही साथ आपके नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई कर दे तो वो वैल्यू एक्स और वाई की आपकी कैसी कहलाती है फिजिबल सोल्यूशन का वर्क करती है बाकी पॉजिटिव नेगेटिव हो वो तो सोल्यूशन का वर्क करेगी बट प्रॉब्लम ये आएगी कि फिजिबल सोल्यूशन कैसे बोले जो आपके सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई करे और साथ ही साथ आपके नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को भी सेटिसफाई कर दे तो वो जो सोल्यूशन होगा वो आपका फिजिबल सोल्यूशन होगा ओके अब यहाँ पे कहता है हैज़ नो फिजिबल सोल्यूशन अब यहाँ पे जो टोटली इसका वर्क आने वाला है यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है पॉजिटिव है यहाँ पे भी पॉजिटिव है सी और डी की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको क्या है एक मिनट चलिए कैलकुलेट ही कर लेते हैं सी और डी की वैल्यू सी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी सी की वैल्यू आपकी जो है तीसरे और पहले ही क्वेश्चन को सोल्व करने से मिलेगी मतलब यहां पे फाइव एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू इज इक्व टू फिफ्टीन फार पॉइंट सी ये एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू इज टू टेन ठीक है अब यहां पे आप क्या कर दीजिए फाइव से मल्टीप्लाई कर दीजिए फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव फाइव टेन जा फिफ्टी फाइव एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू इज इक्व टू फिफ्टीन चलिए सब ट्रैक्ट करते हैं कैंसल आउट ट्वेंटी फाइव में से थ्री जाएगा ट्वेंटी टू इंटू एक्स टू जी कोस टू टेन में से फाइव जाएगा फाइव और यहां से आपको जो है फोर मिलेगा फोर में से वन जाएगा तो क्या होगा फोर में से वन जाएगा तो यहां से आपको जो है थ्री हो जाएगा और एक्स टू जिकोस टू आपको क्या मिलेगा थर्टी फाइव बाई ट्वेंटी टू और एक्स वन की वैल्यू यदि हम देखें किसी भी एक क्वेश्चन में रख दें एक्स वन की वैल्यू यहाँ से एक्स वन इजिक्वल्स टू टेन माइनस फाइव एंड टू थर्टी फाइव अपॉन ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी माइनस फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव और यहाँ से फाइव थ्री जा फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन वन सेवेंटी फाइव अपॉन ट्वेंटी टू टेन में से फाइव जाएगा फाइव और ये आपका जो है अलेवन सेवन फोर और ये आपका जो है फोर्टी फाइव अपॉन ट्वेंटी टू क्या है फोर्टी फाइव अपॉन ट्वेंटी टू ये जो पॉइंट आएगा वो आपका फोर्टी फाइव बाई ट्वेंटी टू और थर्टी फाइव बाई ट्वेंटी टू ठीक है और डी को भी आपको कैलकुलेट करना है क्या है पॉइंट डी को भी आपको कैलकुलेट करना है देखिए यहाँ पे आएंगे इन दो को सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपको जो है एक्स वन प्लस एक्स टू जिकोस टू वन और ये आपका एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू टू टेन चलिए इस कर देते हैं सिक्स एक्स टू 11 टू अलेवन एक्स टू टू अलेवन बाई सिक्स और यहाँ से जो है एक्स वन यी टू क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस का वन क्या है एक्स टू माइनस का वन ठीक है अलेवन माइनस सिक्स बाई सिक्स फाइव बाई सिक्स ये जो डी की वैल्यू है पॉइंट डी की वैल्यू वो कितनी आ रही है फाइव बाई सिक्स और अलेवन बाई सिक्स ठीक है अब यहाँ पे आपका वर्क है ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखिए सारी चीज़ें लिखिए पॉइंट को लिखिए यहाँ से जो है जेड जी कोस्ट क्या है जेड जी आपका एक्स वन प्लस फाइव बाई टू इंटू एक्स टू और ये पॉइंट कौन कौन सा है पॉइंट आपके जीरो जीरो पॉइंट आपका जीरो जीरो है पॉइंट आपका थ्री जीरो है पॉइंट आपका जो है फोर्टी फाइव बाई ट्वेंटी टू और थर्टी फाइव बाई ट्वेंटी टू फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका फाइव बाई सिक्स और अलेवन बाई सिक्स है फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका जीरो वन है ठीक है टोटल कितने हुए फाइव थ्री टू फाइव ओके अब यहाँ पे जो है हर एक पे वैल्यू देखना है हमें हर एक पे वैल्यू यदि हम देखें जीरो जीरो पे तो हमें ज़ीरो मिलेगी क्वेश्चन कैसा है मैक्स डेड मैक्सिमम वैल्यू देखनी है थ्री जीरो पे देखें तो ये आपका जो है थ्री मिलेगा ठीक है और जीरो वन पे देखें तो ये आपका जो है फाइव बाई टू दैट मीन्स टू पॉइंट फाइव है ठीक है यहाँ पे आए क्या है यहाँ पे आए और यहाँ पे यदि हम आते हैं तो ये हमें फोर्टी फाइव ट्वेंटी टू प्लस फाइव इंटू थर्टी फाइव अप ऑन फोर्टी फोर ठीक है तो ये क्या कितना हो जाएगा फोर्टी फोर ले लीजिए टू फाइव जा टेन और टू फोर जा एट वन नाइन प्लस फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव फाइव थ्री जा फिफ्टीन वन सेवेंटी फाइव एड कर लीजिए नाइन वन टेन सिक्स सिक्सटीन और ये टू सिक्सटी फाइव बाई फोर्टी फोर इसको सोल्व कीजिए फाइव बाई सिक्स और अलेवन बाई सिक्स इसको जब आप सोल्व करते हो तो यहाँ से क्या मिलेगा फाइव बाई सिक्स एज इट इज प्लस फाइव बाई टू इंटू अलेवन बाई टू जी नहीं सिक्स ये आपको फाइव बाई सिक्स प्लस फिफ्टी फाइव बाई सिक्स टू या ट्वेल्व ट्वेल्व एलसीएम ले लीजिए तो यहां से आपको जो है सिक्स टू 12 ट्वेल्व टू फाइव या टेन प्लस ये आपको जो है फिफ्टी फाइव सिक्सटी फाइव बाई ठीक है अब यहां पे मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी फाइव पॉइंट समथिंग है और ये क्या है सिक्स टाइम तो जाएगा नहीं फाइव पॉइंट समथिंग ये भी कुछ आएगा ठीक है और यहाँ से जो तो है आपको लगभग ये दोनों सेम ही वैल्यू देंगे क्या है ये दोनों सेम ही वैल्यू आपको देंगे ठीक है तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा क्या यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन है यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो दोनों सेम वैल्यू देंगे क्या है दोनों सेम वैल्यू देंगे और ये कहता है कि हैज नो फिजिबल सोल्यूशन इसके पास कोई फिजिबल सोल्यूशन नहीं है जी नहीं ये तो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रक्शन है क्या है नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन और सब्जेक्ट टू द देंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये क्या है फिजिबल सोल्यूशन है और फर्स्ट में कहता है इसके पास कोई भी फिजिबल सोल्यूशन नहीं है फर्स्ट रोंग हुआ कहता है यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन जो कि आपने अभी अभी देखा है कि दोनों पे सेम वैल्यू मिल रही है और जब सेम वैल्यू मिल रही है इसका मतलब जो है यूनिक सोल्यूशन तो है नहीं दो पॉइंट ऐसे हैं जिनके ऊपर सेम वैल्यू मिल रही है ऑप्टिमल वैल्यू मिल रही है मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है ऑप्टीमल का मतलब क्या है या तो मैक्सिमाइज़ या तो मिनिमाइज जैसा आपके क्वेश्चन में होगा ऑप्टीमल का मतलब यदि क्वेश्चन मैक्स जेड का है तो मैक्सिमाइज़ होगा ऑप्टिमम का मतलब क्या होगा यदि मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो उसका मतलब मिनिमम जेड की बात कर रहा है ठीक है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहेगा हैज इनफाइनाइट मेनी ऑप्टिमल सोलूशन हाँ एक से ज़्यादा है तो आप ऐसा बोल सकते हो ठीक है है या यूनिक यूनिक तो नहीं है क्या अनबाउंडेड सोलूशन दे रहा है जीनी अनबाउंडेड भी नहीं है मतलब ये क्या होगा ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है ये आपका ट्रू ऑप्शन है नेक्स्ट देखिए ये भी आपका जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड ये भी आपके लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से लिया गया है कहता है कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अब की बार क्या है मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है ठीक है और मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में आपको गिवन है ठीक है कहता है सेट ऑफ फिजिकल सोल्यूशन इज एमपटी सेट ऑफ फिजिकल सोलूशन इज नॉन एम पटी ऑप्टीमल वैल्यू इज अटेंड एट जीरो फाइव बाई फोर ऑप्टीमल वैल्यू इज अटेंड एट फाइव बाई थ्री और जीरो ठीक है तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर थर्ड और यहाँ पे जो है आपको थ्री एक्स प्लस फोर वाई ग्रेटर जीरो की वैल्यू फाइव बाई फोर आएगी और जब वाई की वैल्यू जीरो होगी तो यस इक्व टू आपका कितना आएगा फाइव बाई थ्री अब इसका मतलब समझ लीजिए फाइव बाई फोर का मतलब क्या है फोर वन जै फोर वन फाइव ठीक है टेन फोर टू जा एट टू टेन समथिंग दैट जो भी होगा अब यहाँ पे थ्री वन जा थ्री पॉइंट और ये यहाँ पे थ्री वन जा थ्री टू फाइव ट्वेंटी है थ्री सिक्स जा एट्टीन वन पॉइंट सिक्स है इसका मतलब इसका मतलब वन पॉइंट टू है ठीक है देखिए यहाँ पे हमें जो है टू लेना होगा ठीक है और टू है यहाँ पे आपका वन है और इसके बीच में कहीं पे y की वैल्यू वन पॉइंट टू और एक्स की वैल्यू 1.6 मतलब यहाँ कहीं के नेअरर होगा ये आपकी 5 बाई थ्री होगी और यहाँ पे आपको जो है ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू आपकी 2 है और यहाँ कहीं पे आपका 5 बाई फोर होगा ठीक है अब इन दो को आपको क्या करवाना है मीट करवाना है ठीक है हम मीट करवा देते हैं हमने मीट करवाया अब यहां पे देखिए ग्रेटर देन टू की कंडीशन लगी हुई है यदि यहाँ पे लेस देन टू की कंडीशन होती तो ओरिजिन की तरफ हम आते बट यहाँ पे कंडीशन कैसी है ग्रेटर देन टू दिस ठीक है ऐसी है कंडीशन तो हम ओरिजिन से दूर जाएंगे दूर जाएंगे मतलब हमें ये पोर्शन मिलेगा और ये पोर्शन कभी भी एंड नहीं होगा क्या है ये जो पोर्शन है वो पोर्शन आपका कभी भी एंड नहीं हो सकता एंड नहीं होगा मतलब यहाँ पे जो होगा ये जो पॉइंट होगा ये जो पॉइंट होगा वो क्या करेंगे आपके इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे और साथ ही साथ आपके नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई हो रहे हैं कौन सा पॉइंट ये जो दो पॉइंट हैं ये आपके ना सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स और साथ ही साथ आपके नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई हो रहे हैं अब यहाँ पे कहता है कि ऑप्टिमल वैल्यू इज अटेंड एट जीरो कम फाइव बाई फोर वैल्यू इज अटेंड फाइव बाई थ्री और जीरो ठीक है मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है और यहां पे बोथ नेगेटिव है बोथ नेगेटिव है तो इसको आप क्या करेंगे माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस का मिन जेड हो जाएगा और ये पॉजिटिव की वैल्यू आ जाएगी क्या है पॉजिटिव की जब भी इस टाइप से क्वेश्चन हो तो ऐसा करते हैं और मिन जेड की वैल्यू क्या हो जाती है वो भी माइनस का मतलब मैक्स जेड हो जाता है क्या है जेड और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं जी नहीं हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू को नहीं बता सकते इसकी मिनिमम वैल्यू की बात होती तो हम बता सकते थे बट इसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम कभी भी मेजर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो वैल्यू है वो अनबाउंडेड मतलब इन्फाइनेट तक जाएगी और वहाँ तक हम जा नहीं सकते एग्जैक्ट वैल्यू तो हम बता नहीं सकते ठीक है तो यहाँ से आपको जो है फिजिबल सोल्यूसन तो मिलेगा मतलब फिजिबल सोल्यूशन की जो कैटेगरी होगी वो आपकी जीरो फाइव बाई फोर और यहाँ से फाइव बाई थ्री कमा जीरो ये सभी के सभी आपके फिजिबल सोल्यूशन की कैटेगरी में जाएंगे और ये फिजिबल सोलूशन की कैटेगरी में जैसे ही जाएगा तो क्या फिजिबल सोल्यूसन एमप्टी रह पाएगा नहीं इसके पास कुछ ना कुछ एलिमेंट हो जाएंगे इसका मतलब क्या होगा जो फिजिबल सोलूसन है आपका इस क्वेश्चन में वो कैसा है नॉन एमपटी है क्या है वो जो फिजिबल सोल्यूशन है वो आपका इस क्वेश्चन के अंदर नॉन इम्पटी हो रहा है क्योंकि इसके अंदर ना वैल्यू जा रही है ठीक है तो नॉन इम्पट्टी है मतलब सेकेंड ऑप्शन आपका ट्रू है थर्ड फोर्थ आपका रोंग ऑप्शन रहा फर्स्ट भी आपका रोंग ऑप्शन रहा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है कंसिडर द फॉलोइंग एल पी पी मैक्स जेड अब की बार है क्या है मैक्स जेड है ठीक है और फिर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे चार कॉन्स्टेंट्स आपको गिवेन है और यहाँ पे आपको बताना है कि इस प्रॉब्लम के पास क्या होगा क्या नहीं होगा अनबाउंडेड सोल्यूशन होगा एग्जैक्टली वन ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा मोर देन वन ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा या फिर इसके पास कोई भी फिजिबल सोल्यूशन नहीं होगा ठीक है तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ को भी हम सोल्व करते हैं क्या है इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ मैथ्स जेडिजिक्वज टू थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स टू सब्जेक्ट टू द कॉन्सटेंट्स क्या है यहाँ पे लिखेंगे ठीक है एक्स वन प्लस एक्स टू ग्रेटर देन इक्व टू वन एक्स वन प्लस एक्स टू लेस देन इक्व टू फाइव टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू लेस देन इक्व टू सिक्स माइनस टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू लेस देन इक्व टू सिक्स ठीक है ये है आपका और यहाँ पे जब आप x की वैल्यू जीरो y की वैल्यू वन जीरो वन वन जीरो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिलेगी जीरो फाइव और फाइव जीरो ठीक है यहाँ से x की वैल्यू जीरो x1 वन की जीरो और x2 टू की आपको जो है थ्री टू या सिक्स माइनस का टू तो। जब y जी कोस टू जीरो होगा तो ये आपका थ्री दे, दे देगा ठीक है यहाँ से जो है आपको x1 की वैल्यू जीरो x2 की थ्री टू या सिक्स टू और यहाँ पे जब x2 जीरो होगा तो x1 की वैल्यू माइनस का थ्री ठीक है ये रहा आपका अब ग्राफ ड्रा कर दीजिए ये आपका जो है वन टू थ्री फोर फाइव एक्स की वैल्यू वन वाई की वैल्यू भी वन ठीक है तो ये दो पॉइंटों को आप मीट करवाइए चलिए हमने करवा दिया और इसका इक्वेशन जो है उसको लिख देते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्व टू वन अब यहाँ पे फाइव फोर फाइव वन टू थ्री फोर ये आपका फाइव है फाइव और फाइव को हम मीट करवाते हैं इसका जो इक्वेशन है वो आपका एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू फाइव जीरो माइनस का टू वाई के की वैल्यू माइनस की टू है और यहां पे एक्स की वैल्यू कितनी है थ्री है ये रहा इसको भी हमने मीट करवाया ये लाइन की इक्वेशन क्या है टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू इज इक्वल टू सिक्स अब फिर इसके बाद क्या है जीरो टू मतलब वाई की वैल्यू टू है क्या है वाई की जो वैल्यू है वो टू है चलिए इस पॉइंट को हम मीट करवाते हैं ओके अब यहां पे देखिए क्या है ग्रेटर देन टू है ग्रेटर देन इक्व टू है मतलब ये पोर्शन हमारा है ठीक है फिर यहाँ पे कहता है लेस देन इक्वल टू फाइव जो फाइव वाई लाइन है उसके नीचे आइए ठीक है ये रहा फिर यहाँ पे ये लाइन जो कहती है लेस देन इक्वल टू सिक्स मतलब ओरिजिन की तरफ ये भी कहती है ठीक है फिर ये क्या कहती है ये भी कहती है ओरिजिन की तरफ मतलब ये पोर्शन ठीक है और जो कॉमन है क्या है जो कॉमन है वो क्या मिलेगा जो कॉमन है वो तो आपको यही मिलेगा सिर्फ इतना ही पोर्शन आपका पोर्शन होगा ठीक है ये है अब यहां पे इन्हीं पॉइंटों को आप मिला लीजिए क्या क्या होंगे पॉइंट आपके ठीक है और यहाँ पे जब आप चेक करेंगे इन सभी पॉइंटों को निकालिए और निकालने के बाद यहाँ से आप मैक्स जेड लिखिए और यहाँ से जेड की वैल्यू क्या है थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स टू सभी पॉइंटों पे आप वैल्यू चेक कीजिए मतलब यहाँ पे ए बी सी डी ई और एफ सभी पॉइंटों पे जब आप वैल्यू चेक करेंगे तो यहाँ पे ओनली आपका एक ही ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा एक ही मैक्सिमम सोल्यूशन मिलेगा क्या है एक ही पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और वही आपकी क्या हो जाएगी इसका मतलब इसके पास क्या है यूनिक और टीमल सोल्यूशन है और यहां से आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा सेकेंड आपका ट्रू हो जाएगा ठीक है पॉइंट इंटरसेक्शन के है आपको सोल्व करना है फिर पॉइंट टू को निकालना है ठीक है जिस जिस लाइन से ध्यान से देखना है किस किस लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा है अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे कहता है सपोज देट दैरिएबल्स एक्स वन ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स टू दिस ऑफ फॉलोइंग इज आर ट्रू ओके okay. करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन तो को एग्जाम के अंदर तो इतने सारे क्वेश्चन आपके होंगे नहीं ओनली एक ही क्वेश्चन होगा उसके ऊपर आप टाइम दे सकते हो ठीक है वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इजी क्वेश्चन ही आपसे पुटअप किया जाता है एलपीपी से ईजी है तो सोल्व कीजिए अदरवाइज़ स्किप कीजिए ठीक है और भी क्वेश्चन हैं आपके करने के लिए एग्जाम में ठीक है फिफ्थ तो क्वेश्चन पे यहाँ पे आपको कहता है एक्स वन प्लस एक्स टू ग्रेटर देन इक्वास टू थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स टू ग्रेटर देन इक्वास टू फोर ओके यहाँ पे देखिए एक्स वन की वैल्यू जीरो एक्स टू आपका थ्री है जीरो थ्री थ्री जीरो होगा ठीक है अब यहाँ पे एक्स वन की वैल्यू जीरो एक्स टू की वैल्यू टू टू जब एक्स टू जीरो है तो एक्स वन की फोर है ग्राफ ड्रा कर लेते हैं वन टू थ्री एंड फोर माइनस वन माइनस टू नेगेटिव में तो आपको किसी के अंदर जाना ही नहीं है ठीक है वन टू थ्री एंड फोर यहाँ पे एक्स की वैल्यू थ्री वाई की थ्री मीन्स इस दो पॉइंट को मीट करवाइए ये रहा आपका कौन सी इक्वेशन है एक्स वन प्लस एक्स टू ग्रेटर देन इक्व टू थ्री मतलब यहाँ पे इक्वलिटी लगाइए क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ग्रेटर देन ई टू मतलब ओरिजिन की तरफ आइए ओके यहाँ पे ये है x की वैल्यू फोर y की वैल्यू टू x की फोर y की टू ये रहा आपका इन दो को हमने मीट करवाया और ये भी कह रहा हमारे नीचे हमारे से नीचे चलिए ठीक है इस लाइन से नीचे चलना है मतलब जो कॉमन पोर्शन होगा ये पोर्शन होगा ठीक है ये आपका पॉइंट ए ये आपका बी ये आपका सी और ये आपका डी ए पॉइंट आपका क्या है जीरो जीरो बी आपका क्या है थ्री जीरो डी आपका क्या है जीरो टू और सी आपको निकालना मतलब इन दो पॉइंटों को सोल्व करना है दो लाइनों को ही सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू देखनी है ठीक है चलिए हम सब कर देते हैं एक्स वन प्लस टू एक्स टू टू फोर और एक्स वन प्लस एक्स टू एजिक्वस टू थ्री चलिए सब हमने किया और टू में से वन जाएगा आपको एक्स टू एज टू फोर माइनस थ्री आपको वन एक्स टू की वैल्यू वन है एक्स टू इज इक्व टू आपका वन है तो एक्स वन की वैल्यू क्या आएगी थ्री माइनस वन इज इक्व टू टू यहां पर जो पॉइंट है सी का वो आपका टू और वन है ठीक है अब यहाँ पे देखिए ये आपके जो है मैक्स जेड की वैल्यू पूछ रहा है या फिर मिन जेड की ये तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो तो आपके ऑप्शन में गिवेन है ठीक है अब देखना ये है कि सब ये सेम है या फिर डिफरेंट है नहीं सब सेम है ठीक है क्या है फाइव एक्स वन प्लस सेवन एक्स टू ओके पॉइंट हमें क्या है किस क्या वैल्यू देखनी है मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम ही देखनी है ठीक है तो यहाँ पे जीरो जीरो पे देखेंगे तो आपको वैल्यू जीरो मिलेगी फिर आपको आना है थ्री जीरो पे फिर आपको नेक्स्ट पे आना है टू वन पे फिर नेक्स्ट आना है जो कि लास्ट है आपका जीरो टू पे ठीक है? यहाँ पे थ्री जीरो अब यहाँ पे आंसर के अकॉर्डिंग देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच करेगा मैक्सिमम वैल्यू आप फाइव एक्स वन प्लस एक्स टू इज ट्वेंटी कोई वैल्यू नहीं है एंड इट डज़ नॉट हैव एनी फाइनाइट मिनिमम इसके पास कोई भी फाइनाइट मिनिमम नहीं है हाँ मैक्सिमम की बात यहाँ पे की गई है तो ये है ठीक है और मिनिमम की बात है तो इसके नीचे तो सारे वैल्यू हैं उसकी हम बता नहीं सकते ठीक है इसके भी तो नीचे होगा सारी चीज़ें इसके भी तो नीचे हैं कैसे बता सकते हो आप ठीक है और यहाँ पे कहता है क्या द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाइव एक्स वन प्लस एक्स टू इज सेवेंटीम इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो इतनी है ठीक है एंड इट डज नॉट हैव एनी फाइनाइट मिनिमम इसके पास जो है कोई फाइनाइट मिनिमम नहीं है हाँ सही बात है तो सेकेंड ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा थर्ड में कहता है द मैक्सिमम वैल्यू दिस इज ट्वेंटी वन एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज इज जो कि रोंग है ठीक है थर्ड आपका रोंग ऑप्शन है फोर्थ में कहता है फाइव एक्स वन प्लस सेवन एक्स टू नाइदर है वह है जब फाइनाइट मैक्सिमम ना रहा फाइनाइट मिनिमम जी नहीं हमने जो ऑप्शन ट्रू देखा है वो सेकेंड ऑप्शन है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ रही है सेवनटीन आ रही है और इसके पास जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे फाइनाइट मिनिमम इसका कोई नहीं है ठीक है तो ये आपका सेकेंड ट्रू है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको मूव करना है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स है क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स है और ये क्वेश्चन आपका कैसा है तीन वेरिएबल के अंदर वर्क किया है क्या है इस क्वेश्चन में आपका तीन वेरिएबल के अंदर वर्क, वर्क किया गया है इसको आपको विद द हेल्प ऑफ सिम्प्लेक्स मेथड से सोल्वेक करना है जब आप सिम्प्लेक्स मेथड की हेल्प से सोल्वेक करेंगे तो वहाँ से आपको जो डेल्टा चे की वैल्यू होती है वहाँ से क्या होगी उसके अंदर जो भी नेगेटिव होगा उसके करेस्पोंडिंग जब आप कॉलम देखेंगे तो सारी की सारी वैल्यू आपको स्टार्टिंग टेबल में ही नेगेटिव मिलेगी और जब नेगेटिव मिलेगी तो आप क्या कहेंगे तो इस तरीके से जब भी आपको सिंप्लेक्स मेथड में दि, दिखाई देता है डेल्टा जे की वैल्यू नेगेटिव और उसके जस्ट करिस्पोंडिंग कालम में भी आपको नेगेटिव मिलती है तो वो जो आपका सिम्प्लेक्स मेथड की हेल्प से होता है वो क्या होता है अनबाउंडेड सोल्यूशन मिल जाता है तो वहां से जब आप सोल्व करेंगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा अनबाउंडेड सोल्यूशन मिलेगा फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेवंथ यहाँ पे आपको कंसीडर द एल पी पी मैक्सिमाइज जेड जिकोस टू एक्स प्लस वाई सब्जेक्ट टू दिस ठीक है देखिए चेक करते हैं कि इसके पास कैसा सोल्यूशन होगा सेवंथ देखिए मैक्स कॉन्स्टेंट क्या है एक्स माइनस टू वाई इज लेस देन इक्व टू टेन ये है आपका और यहां से आपका वाई माइनस टू एक्स लेस देन इक्व टू टेन है ठीक है यक्स की वैल्यू जब जीरो होगी तो वाई की वैल्यू जो है टू फाइव या टेन माइनस का फाइव जब वाई जीरो होगा तो यक्स की वैल्यू आपकी टेन होगी यहाँ से जब आपका यक्स जीकोस टू जीरो होगा तो वाई की वैल्यू टेन होएगी और जब वाई जिकोस टू जीरो होगा तो यक्स की वैल्यू जो है माइनस का फाइव होगी ठीक है फाइव और टेन ही है यहाँ पे फाइव टेन माइनस फाइव माइनस टेन ये फाइव और ये आपका टेन माइनस फाइव ये आपका माइनस का टेन ओके यहां पे एक्स की जो है टेन और वाई माइनस का फाइव एक्स टेन है वाई माइनस का फाइव है मतलब इस दो पॉइंटों को यह है आपका ठीक है और x की वैल्यू माइनस का फाइव y की वैल्यू टेन ठीक है अब यहां पे देखिए लेस देन टू है क्या है लेस टू है तो इसका मतलब क्या है ओरिजिन की तरफ मतलब ये पोर्शन और ये आपके जो है क्या करेंगे पैरल लाइन की फॉर्मेशन करेंगे ये दोनों आपके पैरल लाइन होंगे ठीक है कभी इंटरसेक्शन नहीं करेंगे एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे टोटली ऐसे ही आपका चलता रहेगा क्या है ऐसे ही आपका चलता रहेगा ये दो लाइनें आपकी कभी मीट नहीं करेंगी पैरेलल होंगी और पैरेलल होंगी तो यहाँ से आपका क्या है इनफाइनाइट तक आप जाएंगे फिर भी आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू को नहीं बता पाएंगे अब जब नहीं बता पाएंगे तो मतलब इसके पास क्या कॉमन पोर्शन मिल रहा है नहीं इसके पास कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं मिल पा रहा है तो इसका मतलब इसके पास जो सलूशन आएगा वो कैसा सलूशन आएगा अनबाउंडेड सोल्यूशन आएगा क्या है उसके पास जो सोल्यूशन आएगा वो आपका अनबाउंडेड सोल्यूशन आएगा ठीक है इट हैज नो एनी कॉमन पोर्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर एथ ये आपका कैसा है मार्कोव चेन का क्वेश्चन है क्या है ये क्वेश्चन आपके मार्कोव चेन का क्वेश्चन है देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर एट एक्शन मार्कोव चेन विथ थ्री स्टेट एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दिस हिच इज ट्रू यहाँ से आपका कौन सा ऐसा है जो कि आपका ट्रू ऑप्शन है देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर एट को एग्जाम के अंदर जो आपसे क्वेश्चन पुट अप किया आते हैं वो तो इजी होती है बट क्या होता है आप अनसीन क्वेश्चन को देखते हो और परेशान हो जाते हो ठीक है इसलिए आपको क्या है क्वेश्चन को वन या फिर टू टाइम मैक्सिमम टू टाइम एट लीस्ट जो है आप टू टाइम तो कीजिए ही उसकी रिविजन और इसके बाद जो है क्वेश्चन को सोल्व कीजिए आई होप आपसे अच्छे तरीके से सोल्व होंगे ठीक है अब यहाँ पे जो है आपको वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड वन बाई टू वन बाई टू एंड जीरो 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 वन तीन ही स्टेट है स्टेट कौन कौन सी है वन टू थ्री ठीक है अब इसकी क्या करते हैं हम ट्रांजिशन डायग्राम बना लेते हैं ट्रांजिशन मैट्रिक्स से ट्रांजिशन डायग्राम बना लेते हैं तीन ही स्टेट है ठीक है ये आपकी स्टेट वन स्टेट टू और स्टेट थ्री थ्री टू वन वन से वन पे जाया जा सकता है हाँ इस स्टेट वन से स्टेट वन पे जाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी वन थर्ड है वन से टू पे जो जाने की प्रोबेबिलिटी है वो आपकी वन बाई थ्री है स्टेट वन से थ्री पे जो जाने की प्रोबेबिलिटी है वो आपकी वन बाई थ्री है स्टेट टू से वन पे जो जाने की प्रोबेबिलिटी है वो आपकी वन बाई टू है स्टेट टू से टू पे जो जाने की प्रोबेबिलिटी है वो वन बाई टू है स्टेट थ्री से थ्री पे जो जाने की प्रोबेबिलिटी है वो आपकी वन है ओके अब यहाँ पे क्या कहता है कहता है कि एक्शन मतलब जो आपका एक्शन है एक्शन के पास क्या है तीन स्टेट है वन टू थ्री मतलब तीनों की तीनों जो स्टेट है वो आपकी इरिड्यूसीबल है मतलब कोई भी जो आपका चैन है वो टूटा हुआ नहीं है इरिड्यूसिबल का मतलब यहाँ पे जितनी भी स्टेट है इन सब पे हम किसी भी बाउंडेशन के बिना किसी बाउंडेशन के हम हर एक स्टेट पे आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं बट यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो रही है कि हम वन से थ्री पे तो पहुँच गए बट थ्री से बाहर निकलने का हमारे पास कोई भी पाथ नहीं है कोई भी रास्ता नहीं है तो हम थ्री से बाहर तो निकल नहीं पाएंगे और ये इरड्यूसिबल होती तो हम थ्री पे यदि हम आ सकते थे तो हम जा भी सकते थे ठीक है बट यहाँ पे वन और थ्री से ही हमें क्या है आने का पाथ तो है लेकिन जाने का कोई भी पाथ नहीं है मतलब ये जो आपकी टोटल कंप्लीटली चैन बन के तैयार हो रही है ये चैन आपकी इड्यूसिबल चैन नहीं है ठीक है और जो नेक्स्ट ऑप्शन में कहता है कि रिकरेंट है मतलब इसके सभी के सभी जो स्टेट है वो रिकरेंट है रिकरेंट का मतलब यहाँ से आपको जो है वन से टू पे पाथ है टू से वन पे पाथ है ओके बट वन से थ्री पे जाने का पाथ है बट आने का पाथ कोई भी नहीं है तो ये जो वन और थ्री स्टेट है वो कैसी है रिकरेंट स्टेट नहीं है और सिमिलरली टू और थ्री इसकी तो बात ही छोड़ी क्योंकि यहाँ से जो है आने का पाथ नहीं है ठीक है टू से थ्री पे ठीक है बट इस तरीके से तो आ सकते हैं यहाँ से हम यहाँ पे आए फिर यहाँ से यहाँ पे टू से हम थ्री पे डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट पहुंच तो सकते हैं बट थ्री से हम टू पे नहीं पहुंच पाएंगे मतलब ये जो आपकी आपस में जो स्टेट्स हैं वन टू थ्री मतलब कम्प्लीटली तीनों की तीनों वो हमारी सिर्फ और सिर्फ वन जो स्टेट है और टू वो हमारी कैसी है रिकरेंट है बट जो थ्री स्टेट है ये हमारी रिकरेंट स्टेट नहीं है इसलिए हम जो टोटल आंसर बताएंगे कि वो हमारी कैसी है रिकरेंट स्टेट नहीं है क्या है हमारी जो ये आपकी है वो कैसी है रिकरेंट तो नहीं है ठीक है अब यहाँ पे जो एक्शन है वो कहता है कि डज नॉट एडमिट्स अ स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसके पास कोई भी स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है मतलब यहाँ पे क्या होता है मानते हैं कि जो पाई है यहाँ पे पाई नोट पाई वन और जो पाई टू है ये इसकी प्रोबेबिलिटी स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है तो यहाँ से आपको तो पाई पी एज इक्व टू क्या होता तो तो है टू पाई होता है ठीक है और यहां से आपको जो है ये मैट्रिक्स पी है ठीक है और यहां से जो है पाई मतलब यहां पे, ठीक है ये होगा और यहां से आपको जो है अभी इसको रफ मत कीजिए ठीक है देखिये पाइप टू दिस अब यहां पे क्या है यदि यहां पे हम जीरो जीरो वन ले लें अपने अकॉर्डिंग जीरो, जीरो जीरो वन अब यहां पे देखिए, क्या सेटिस्फाई है इसका प्रोडक्ट जब हम इसके साथ करेंगे तो जीरो आएगा मतलब जीरो जीकोस टू जीरो है ठीक है इसका प्रोडक्ट इसके साथ करें तो ये भी जीरो है मतलब ये है इसका प्रोडक्ट यदि हम इसके साथ करें तो ये जीरो ये जीरो ये आपका वन है और यहां पे भी आपको वन मिल रहा है ठीक है मतलब ये जो हमने लिया है जो हमने उठाया है ये तो इस मैट्रिक्स के लिए क्या है स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ग कर रहा है ठीक है और ये कहता है कि इसके पास कोई भी स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा आपको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई मतलब पाई पे जी कोस टू पाई करते वहां से आप पाई नोट पाई वन प्लस पाई टू की पाई नोट पाई वन पाई टू की वैल्यू कैलकुलेट करते किसके अकॉर्डिंग पाई वन प्लस पाई टू प्लस पाई थ्री जी कोस टू वन जीरो से स्टार्टिंग आपने की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां से आप कर दीजिए वन और यहाँ से जब आप इस तरीके से करते और ये रिलेशन यूज करते तो आपको पाई पाइनाट पाई वन पाई टू की वैल्यू मिलती और इसको आप जैसे टपल के अंदर रखते ये आपकी स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क करने लग जाती है ठीक है बट हमने अपने अकॉर्डिंग किया है ये कहता है कि इसके पास कोई भी स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है और हमने अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल के से बताया कि ये तो जो है इस मैट्रिक्स के लिए स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क कर रही है तो यहाँ से हमने थर्ड ऑप्शन को रोंग किया फोर्थ ऑप्शन में आइए कहता है यक्सन हैज एन हैज एन एब्जॉर्बिंग स्टेट इसके पास एक स्टेट ऐसी है मतलब एटलीस्ट की बात बोले मतलब बोलने से ही कंफर्म हो रहा है कि इसके पास कैसा है इसके पास एब्जॉर्बिंग स्टेट क्या है अब ये एक की एब्जॉर्बिंग स्टेट या फिर दो की इन सब के ऊपर कुछ नहीं बोल रहा है हाँ ये बता रहा है कि जो एक्शन है उसके पास हैज एन एब्जॉर्बिंग स्टेट उसके पास क्या है एब्जॉर्बिंग स्टेट है एब्जॉर्बिंग स्टेट किसे बोलते हैं एब्जॉर्बिंग स्टेट आपकी वो स्टेट होती है जहाँ पे एंटर तो हम कर सकते हैं बट उस स्टेट से हम बाहर ना निकल पाएं तो वो स्टेट हमारी कैसी कहलाती है एब्जॉर्बिंग स्टेट कहलाती है क्या जो हमारी एब्जॉर्बिंग स्टेट होती है कोई भी स्टेट जिसको हम एब्जॉर्बिंग कहना चाहते हैं उस स्टेट पे जाने का तो पाथ हो बट उस स्टेट से निकलने का कोई भी पाथ ना हो कोई भी रास्ता ना हो तो वो स्टेट हमारी कैसी कहलाएगी वो स्टेट हमारी एब्जॉर्बिंग स्टेट कहलाएगी ठीक है तो यहाँ से जो थ्री है थ्री पे देखिए थ्री वन क्या हमारी एब्जॉर्बिंग स्टेट है जी नहीं वन से हमें टू पे जाने का पाथ है तो यहाँ से क्या जो है टू पे आने का भी पाथ है हाँ वन से हम टू पे जाएंगे और टू से फिर आ जाएंगे वन पे मतलब वन हमारी जो है एब्जॉर्बिंग स्टेट नहीं है टू से हमें जाने का पाथ है हाँ जाने का पाथ है क्या वहाँ से किसी भी तरीके से आने का भी पाथ है हाँ टू तो और वन आपकी एब्जॉर्बिंग स्टेट नहीं हो सकती अब यहाँ पे स्टेट थ्री की बात आई अब स्टेट थ्री पे हम वन से तो थ्री पे जा सकते हैं या फिर हम थ्री से थ्री पे जा सकते हैं बट क्या हम थ्री से बाहर भी किसी सिचुएशन में निकल सकते हैं नहीं हम किसी भी कंडीशन में किसी भी यहाँ पे लिमिटेशन के अंदर हम थ्री स्टेट से बाहर नहीं निकल पाएंगे चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो किसी भी तरीके से हम बाहर नहीं निकल सकते इसका मतलब जो है थ्री पे तो हम आ सकते हैं लेकिन यहाँ से हम बाहर कहीं निकल के नहीं जा सकते मतलब ये होगा कि जो हमारी थ्री स्टेट है वो जो चला गया उसको एब्जॉर्ब कर लिया ठीक है उसको कभी बाहर नहीं निकलने देगा तो जो थ्री स्टेट है वो कैसे निकल आएगी वो हमारी एब्जॉर्बिंग स्टेट है और क्वेश्चन के अंदर जो है आंसर में क्या कह रहा है एक्सन हैज एन एब्जॉर्बिंग स्टेट इसके पास जो है एब्जॉर्बिंग स्टेट है हाँ इसके पास जो है एब्जॉर्बिंग स्टेट है यदि पूछता हमसे कौन सी स्टेट है तो उसको हम मैंसन कर देते कि जो थ्री स्टेट है वो हमारी एब्जॉर्बिंग स्टेट है ठीक है बट यहाँ पर कुछ इस तरीके से नहीं पूछा गया है तो ठीक है तो यहाँ से आपका कौन सा आंसर ट्रू हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है ये आपका ट्रू ऑप्शन होगा क्या है ये जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है ये आपका ट्रू ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन्थ देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन्थ जो है अच्छा क्वेश्चन है समझते हैं देखिए इस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम यदि पूछे जाएंगे तो आपको पजल नहीं होना है आपको समझ के जाना है क्वेश्चन को ठीक है देखिए यहां पे कहता है कि p x3 थ्री इज इक्व टू वन और फिर यहां पे x नोट इज इक्व टू वन ठीक है अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है यहां पे x m प्लस एन इज इक्व टू जे और इस तरीके से है और यहाँ पे आपको n एन इजिक्वल टू आई है ठीक है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है इसका मतलब यह है कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है क्या है आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कहाँ से कहाँ तक i टू j कितने स्टेप में बतानी है m प्लस एन तीस माइनस दिस ठीक है ये तो i टू जे जाएगा और यहाँ पे दिस माइनस दिस और ये कहाँ पे जाएगा इस स्टेप में जाएगा m प्लस एन माइनस एन मतलब p i j एक कितने स्टेप में m स्टेप में ठीक है देखिए इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब ये होगा प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है वन से वन पे पहुँचने के लिए कितने में? 3 minus 0, 3 स्टेप में थ्री माइनस जीरो थ्री स्टेप में प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है वन से वन पे पहुँचने में थ्री स्टेप में ठीक है तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है आपको जो है यहाँ पे ट्रांजिशन मैट्रिक्स कैसी गिवन है आपको गिवन है जीरो वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू जीरो वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू और जीरो ठीक है स्टेट यहाँ पे कितनी है स्टेट आपकी वन टू थ्री है वन टू थ्री वन टू थ्री अब यहाँ पर इसका डाइग्राम बनाइए वन टू थ्री वन स्टेट टू स्टेट और थ्री स्टेट वन से टू पे प्रोबेबिलिटी कितनी है वन बाई टू और फिर यहाँ पे वन से थ्री पे वन से थ्री पे प्रोबेबिलिटी वन बाई टू टू से वन पे वन बाई टू ठीक है टू से थ्री पे क्या है टू से थ्री पे जो प्रोबेबिलिटी है ये आपकी वन बाई टू है सिमिलरली थ्री से वन पे जो प्रोबलिटी है वो आपकी वन बाई टू है ठीक है थ्री से टू पे जो प्रोबेबिलिटी है ये आपकी वन बाई टू है ओके okay. अब यहाँ पे देखिए अब आपको वन से वन पे जाना है तो यहाँ पे आप कितने पाथ का यूज करते हुए आप तीन स्टेप का यूज कर कितने आप जो है स्टेप चलना है टोटली आपको तीन स्टेप में ही पहुँचना है कहाँ से कहाँ पे पहुँचना है वन से वन पे पहुंचना है ठीक है थीके? तो यहां पे क्या होगा हम वन से टू पे जाएं और टू से थ्री पे जाएं और थ्री से वन पे जाएं ठीक है आप ये आपने मान लीजिए ये कहा कि हम वन से टू पे जाएं टू से थ्री पे थ्री से अगेन टू पे टू से फिर वन पे तो हमारे कितने स्टेप हो जाएंगे वन टू थ्री टोटली हमारे फोर स्टेप हो जाएंगे मतलब तीन स्टेप का ही हमें यूज करना है जो हमने अभी किया वो रोंग रहा क्योंकि हमने चार स्टेप चार पाथ का यूज़ हमने कर लिया है और यहाँ पे तीन स्टेप कौन सा होगा कैसे कैसे यहाँ से चले यहाँ पे टू पे आए फिर थ्री पे आ जाए फिर वन पे आ जाए फिर वन से थ्री पे थ्री से टू टू से वन तो ये ठीक रहेगा वन से टू टू से थ्री थ्री से वन फिर नेक्स्ट जो है क्या है वन से थ्री थ्री से टू टू से वन वन टू थ्री वन टू थ्री तीन पाथ का आपने यूज किया है तीन रास्ते का आपने यूज किया है ये आपके पाथ होंगे ठीक है ओके अब यहां पे वन से टू पे प्रोबेबिलिटी इसकी देख लीजिए वन से टू पे वन बाई टू है अब देखिए यहां पे टोटल आपको बतानी है ना तो यहां से पी वन वन इन थ्री स्टेप क्या हो जाएगा वन बाई टू इंटू वन बाई टू इंटू वन बाई टू प्लस इसको ऐड कर लीजिए वन बाई टू इंटू वन बाई टू इंटू वन बाई टू ठीक है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो था वो प्रोबेबिलिटी को हमने मल्टीप्लाई फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की प्रोबेबिलिटी इनका मल्टीप्लाई दोनों का हम सम करेंगे बाकी और भी हमें कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा कि हमें तीन स्टेप मिले और यहाँ पर हम वन से वन पे पहुँच सके ठीक है तो इसके आगे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ हमें दो ही पाथ मिलेगा दो ही हमें जो है सेलेक्ट करना होगा पाथ जो तीन स्टेप भी होगा और यहाँ से हम यहाँ तक पहुँच भी सकते हैं ठीक है तो यहाँ से आपको जो है वन बाई एट प्लस का वन बाई एट टोटली क्या हो जाएगा टू बाई एट और कैंसिल आउट करेंगे तो आपको वन बाई फोर यदि आप एक ही पाथ का यूज करते तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल रांग हो जाता बट आपने जो है थोड़ा सा माइंड को यूज किया है और दो स्टेप आपने निकाला है और निकालने के बाद इस तरीके से सोल्व किया है और आपको वन बाई फोर मिला है तभी आपको आंसर भी मिला है ठीक है यहां से आपको कौन सा मिल जाएगा और यहाँ पे देखिए आंसर में वन बाई एट भी गिवन है मान लीजिए आप इस पाथ का यूज नहीं करते तो वन बाई एट लगाते और जब वन बाई एट लगा देते तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाता ठीक है तो यहां से वन बाई फोर वाला ऑप्शन आपका ट्रू ऑप्शन है ये आपका कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड है ये टू है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर टेंथ ये भी अच्छा क्वेश्चन है कहता है कंसिडर आ मार्कोव चेन हैविंग स्टेट फोर स्टेट यहाँ पे गिवन है ठीक है विथ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पी इज इक्वल्स टू पी आई जे गिवन बाई दिस इज ट्रू आपको ट्रू ऑप्शन है कि कौन सा ऑप्शन आप आपका ट्रू ऑप्शन है ओके देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन नंबर टेंथ यहाँ पे चार स्टेट है आपकी वन बाई टू जीरो वन बाई टू जीरो फिर वन बाई फोर वन बाई फोर वन बाई फोर एंड वन बाई फोर फिर इसके नेक्स्ट क्या है वन बाई थ्री जीरो वन बाई थ्री वन बाई थ्री फिर इसके नेक्स्ट क्या है वन बाई टू जीरो वन बाई टू एंड जीरो ठीक है अब यहाँ पे टोटल स्टेट कितने हैं चार स्टेट हैं वन टू थ्री एंड फोर वन टू थ्री एंड फोर ठीक है one, two, four, one, two, four, अब यहाँ पे चार स्टेट आपको बतानी है देखिए वन टू थ्री फोर ये वन टू थ्री फोर चलिए इसका डायग्राम बनाइए स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स से स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम अब यहाँ पे वन से वन पे जो प्रोबेबिलिटी है वो वन बाई टू है वन से थ्री पे जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी वन बाई टू है टू से वन पे टू से वन पे जो प्रोबेबिलिटी है ये आपकी वन बाई फोर है टू से टू पे जो प्रोबेबिलिटी है ये आपकी वन बाई फोर है टू से, है है। से थ्री पे जो प्रोबेबिलिटी है ये आपकी कितनी है टू से थ्री पे आपकी वन बाई फोर है ठीक है टू से फोर पे ये आपकी वन बाई फोर है थ्री से वन पे थ्री से वन पे ये आपका कितना है थ्री से जो वन पे है ये आपका वन बाई थ्री है थ्री से थ्री पे जो आपका है मतलब इट पे जो लूप है वो कितना है थ्री से थ्री पे आपका वन बाई थ्री थ्री से फोर पे थ्री से फोर पे जो है वो आपका वन बाई थ्री है फोर से वन पे भी आपका पाथ है मतलब इस तरीके से है वो कितना है वन बाई टू फोर से थ्री पे फोर से थ्री पे आपको पहुँचना है ये कितना है वन बाई टू ओके हमारा जो है स्टेट ट्रांजिशन ट्रांजिशन मैट्रिक्स से स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनके तैयार हो चुका है ठीक है यदि आपको मार्कोव चेन के अंदर ट्रांजिशन मैट्रिक्स से ट्रांजिशन डायग्राम बनाना आता है तो क्वेश्चन आपके लिए इजी है यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ठीक है बट यदि आपको आता है तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए ईजी होते हैं क्वेश्चन ठीक है ये रहा आपका और यहाँ पर आपको इसके अंदर पूछा क्या है आपको जो है इसके अंदर पूछा है लिमिट एन टेंस टू तो इन्फिनिटी पी टू टू इन एन स्टेप्स ठीक है इसकी वैल्यू आपको बतानी है और फिर समेशन इसका देखना है यन बेरिंग फ्रॉम जीरो टू तो इन्फिनिटी पी टू 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 इन एन स्टेप्स ये आपको बतानी है ठीक है दोनों चीज़ें बतानी है समेशन भी बताना है और उसकी लिमिटिंग वैल्यू एन पे देखनी है ठीक है और यहाँ पे जो है टू से टू पे पहुँचना है क्या है टू से टू पे पहुँचना है ठीक है अब टू से टू पे पहुँचने के लिए देखिए टू से यहाँ पे हम निकल के तो गए बट क्या टू पे वापस भी आ सकते हैं टू से यहाँ पे गए यहाँ से यहाँ पे आए फिर यहाँ से यहाँ पे आए फिर यहाँ से हम यहाँ पे आ गए क्या है यहाँ से हम यहाँ पे आ गए ठीक है एक स्टेप में क्या हम यहाँ पे आ सकते हैं हाँ एक स्टेप में आ सकते हैं दो स्टेप में क्योंकि एक स्टेप पे लूप है ठीक है अब दो स्टेप में क्या इसके पास आ सकते हैं हाँ दो स्टेप में भी हम आ पाएंगे क्योंकि यहाँ से हम जो है दो बार इसी पे लूप है तो हम कितने भी स्टेप का यूज करें हम यहाँ पर आ सकते हैं ठीक है और यहाँ पर जो तो है थ्री स्टेप टू स्टेप का यूज करते हो क्या और हम आ सकते हैं हाँ आ सकते हैं यहाँ से यहाँ पर गए यहाँ से फिर आ गए ठीक है एक मिनट एक मिनट एक मिनट क्या यहाँ पे फोर से टू पे जाने का पाथ है नहीं है फोर से जो पाथ है वो सिर्फ और सिर्फ वन पे है और फोर से थ्री पे है ये थ्री है ना ये है अब यहाँ पे देखिए टू से तो आप यहाँ पे गए अब यहाँ पे क्या रिटर्न टू पे किसी भी पाथ के तहत या फिर जो तो है डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से क्या आप टू पे पहुँच सकते हो नहीं यदि ये लूप ना होता तो आप टू से टू पे किसी भी तरीके से पहुँच नहीं पाते बट यहाँ पे है क्या लूप है तो लूप है तो यहाँ पे वन स्टेप में भी आप जा सकते हो टू स्टेप में भी जा सकते हो थ्री स्टेप में भी जा सकते हो ठीक है तो यहाँ से वन स्टेप में जाने का मतलब टू से हम टू पे चले गए वन स्टेप में गए टू से टू फिर टू पे गए टू स्टेप भी हो गया पूरा यहाँ से आपको वन बाई फोर मिला और यहाँ से आपको वन बाई फोर की पावर टू यहाँ से टू से टू फिर टू फिर टू ठीक है तीन स्टेप भी हो गया मतलब वन बाई फोर की पावर थ्री वन स्टेप में भी हम गए टू स्टेप में भी गए हम टू से टू पे और थ्री स्टेप में भी हम टू से टू पे चले गए ठीक है अब यहाँ से इसके एन स्टेप की यदि हम बात करें तो यन टाइम हमें जाना होगा मतलब वन बाई फोर की पावर एन करनी होगी और टू से टू पे इन एन स्टेप में ये रहा ठीक है और इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमें देखनी है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बाई फोर की पावर एन ये आपको क्या मिलेगा वन बाई फोर की पावर इनफाइनाइट बेस एक से छोटा पावर इनफाइनाइट वैल्यू जीरो तो ये आपको वैल्यू मिलेगी जीरो मतलब इसकी वैल्यू आपको मिल चुकी है जीरो अब यहाँ पे इसका समेसन है मतलब सबका सम कर दीजिए एंड सो वन क्या है इन सबको सम करते हुए एंड सो वन कर दीजिए ठीक है तो वह आपको मिलेगा वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर की पावर टू प्लस वन बाई फोर की पावर थ्री प्लस एंड सो वन ठीक है ये आप वन बाई फोर कॉमन ले लीजिए वन प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर की पावर टू प्लस एंड सो वन ये आपके इन्फानेट जीपी हो चुका और इन्फानेट जीपी का फार्मूला आपको पता है ए अपॉन वर माइनस आर की वैल्यू यहाँ पे वन है और आर आपका वन बाई फोर है और क्लियरली आर की एब्सोलूट वैल्यू लेस देन वन है ठीक तो है तो फार्मूला वैलिड है ए अपन वन माइनस आर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि फार्मूला तो आप याद रख लेते हैं बट उसकी जो वैलिडिटी है उसको आप भूल जाते हैं बट आपको ऐसा नहीं करना है फार्मूला भी याद रखना है उसकी वैलिडिटी कहाँ से कहाँ तक है लिमिटेशन उस फार्मूले की क्या है ये विशेष ध्यान रखना होता है ठीक है तो यहाँ से फोर माइनस वन क्या हो जाएगा थ्री बाई फोर तो ये आपका ऊपर जाएगा और यहाँ पे वन बाई फोर इंटू फोर अपऑन थ्री हो जाएगा फोर से फोर आपका कैंसिल वन बाई थ्री है मतलब फाइनाइट आंसर दे रहा है जब ये इसकी वैल्यू जो है समीशन की फाइनाइट आंसर आ रही है मतलब ये जो वैल्यू है आपकी लेस देन इनफाइनाइट है तो ये आपको क्या मिल रहा है ये वैल्यू आपकी वन बाई थ्री है जो कि आपका लेस देन इन्फिनिटी है और ये आपको टेंस टू जीरो है लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी पे पी टू से टू पे इन एनी स्टेप में जो पहुंचने का तरीका है वो कितना मिल रहा है वो आपको जो है लिमिटिंग वैल्यू आप देखते हो तो वो आपको जीरो मिलती है यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा आपके यदि हम ट्रू ऑप्शन की बात करें तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है ये आपका ट्रू ऑप्शन है ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर अलेवंथ ये आपका क्वेश्चन जो है आपका कैसा है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन है क्या है एल का क्वेश्चन है ठीक है देखिए करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर अलेवंथ को मार्कोव चेन के भी जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इजी होते हैं ठीक है बट क्या है हम उनको सॉल्व नहीं करते उनको देखते तक नहीं है क्योंकि हमारे अंदर क्या है हमें तो लगता है कि हमसे क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो पाएंगे बट आपको ऐसा सोचना नहीं है आपको क्वेश्चन को देखना भी है और सोल्व भी करना है और आंसर भी अच्छे से सॉल्व करना है और नंबर भी लेना है ठीक है ईजिली वे में आप 15 मार्क एल और मार्कोव चेन से उठा सकते हैं ठीक है यदि आप प्रिपेयर अच्छे तरीके से करते हैं ठीक है नेक्स्ट देखिए फिफ्टीन मार्क और फिफ्टीन आप पार्ट ए के अंदर नहीं ले सकते ठीक है यदि आपकी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है तो पार्ट ए के अंदर आप 15 मार्क किसी भी कीमत पे नहीं ले पाएंगे और वहाँ से नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी ओके और ये जो आपके मार्कोव चेन के क्वेश्चन है पार्ट सी से होते हैं और पार्ट बी में भी होते हैं ठीक है इसलिए ध्यान से करना होता है अब यहाँ पे क्या है और एग्ज़ाम के दौरान हमें जो है एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है जो भी हम क्वेश्चन करें उसको बिल्कुल सही तरीके से टाइम भले ही लग जाए बट आंसर करेक्ट आना चाहिए कम क्वेश्चन भले ही सॉल्व करें बट हमारा जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करें वो हमारा करेक्ट होना चाहिए बिल्कुल श्योर होने चाहिए हम कि उस क्वेश्चन के अंदर हमारी कोई भी किसी भी तरीके की मिस्टेक नहीं हो सकती है ठीक है यदि हम श्योर रहेंगे कम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक ही क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम देंगे अदरवाइज क्या होता है कि हम ढेर सारे क्वेश्चन को सेलेक्ट करने में लग जाते हैं और उनके ऊपर क्या होता है कि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं यदि हम उनमें से दो तीन क्वेश्चन के ऊपर यदि हम ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व ना करते हुए कम से कम क्वेश्चन को सेलेक्ट करें और यहाँ पर जो है हम अच्छे से अपना टाइम दें तो यहाँ पर नाइन्टी नाइन श्योर है कि वो उसमें से हमारे फाइव टू सिक्स क्वेश्चन जो हमने ढेर सारे किए थे उनमें से जो है मैक्सिमम फाइव टू सिक्स क्वेश्चन तो एटलीस्ट ठीक ही कर सकते हैं ठीक है तो इसलिए जो है आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन करने चाहिए पहले स्टार्टिंग में कुछ टाइम आप दीजिए कि क्वेश्चन को सेलेक्ट करने में कि हम आप जो है कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को किन किन टाइप के क्वेश्चन को अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे हमारे पास जो है जो भी आपको क्वेश्चन सोल्व करना है जहाँ से भी सोल्व करना है उसकी आप लिस्ट बना लीजिए कि कहाँ से हमें किस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है ठीक है जस्ट आप क्या करेंगे उसी टाइप के क्वेश्चन को सर्च करेंगे और क्योंकि आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ठीक है तो आप वैसा ही करते हैं और एग्जाम के अंदर भी आप वैसा ही करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करेंगे तो वो आपसे रोंग हो जाएगा ठीक है तो आप ऐसे ही शेड्यूल बनाइए और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर अलेवंथ पे ठीक है एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्व टू फाइव फोर एक्स माइनस वाई लेस देन इक्व टू फिफ्टीन फोर वाई माइनस एक्स लेस देन इक्व टू फिफ्टीन ठीक है फाइव जीरो जीरो फाइव ओके एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू माइनस फिफ्टीन वाई जब 0 है, 4, 15 4, जीरो है फोर फिफ्टीन बाई फोर ठीक है एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू जो है फिफ्टीन बाई फोर वाई जब जीरो है तो एक्स की वैल्यू कितनी होएगी? माइनस का फिफ्टीन चलिए ग्राफ ड्रा कर देते हैं फोर थ्री जा ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर फाइव जा ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव फिफ्टीन बाई फोर का जो मीनिंग है इसका मतलब क्या है थ्री पॉइंट फाइव है तो यहाँ से हम क्या करते हैं थ्री थ्री का बना लेते हैं थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व और फिफ्टीन है ना नेगेटिव में भी जाना है हमें हाँ जाना है वो भी किसके नेगेटिव में जाना है एक्स के भी और वाई के भी ठीक है माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस नाइन माइनस ट्वेल्व और माइनस का फिफ्टीन माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस नाइन और ये आपका माइनस का ट्वेल्व माइनस का फिफ्टीन ये थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व और ये आपका फिफ्टीन ठीक है फाइव और फाइव मतलब यहां कहीं पे होगा फाइव और यहां पे भी कहीं आपका होगा फाइव ठीक है इन दो पॉइंटों को हम क्या करते हैं मीट करवाते हैं ओके ओके अब यहां पे जो है आपको क्या करना है यहां पे आपको जो है ये तो आपने मीट करवाया फिर इसके नेक्स्ट का जो वर्क है y की वैल्यू माइनस का फिफ्टीन ये रहा और एक्स की वैल्यू जो है आपकी थ्री पॉइंट फाइव इनको मीट करवाना है ठीक है ये ग्रेटर देन टू है मतलब ओरिजिन से दूर जाना है क्या है ओरिजिन से दूर जाना है और ये कहता है कि ओरिजिन के पास आइए ठीक है अब यहाँ पे आएंगे आप 3.5 पॉइंट फाइव वैल्यू वाई की वैल्यू मतलब ये कहीं पे होगा ठीक है और एक्स की वैल्यू माइनस का 15 ये होएगा आपका ये होएगा और यहाँ से जब आप करेंगे तो यहाँ से आपको ये मिलेगा और ये लाइन आपकी इंटरसेक्ट होगी और इंटरसेक्ट करने के बाद ये पॉइंट आपके होंगे लेस देन टू मतलब ओरिजिन की तरफ ये भी रीजन होगा आपका ठीक है ये आपका ए बी सी तीन पॉइंट आपके होंगे क्या है तीन पॉइंट आपके होंगे और तीनों पॉइंटों की वैल्यू आपको पता नहीं है कैसे पता करेंगे जिस जिस लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा है उन दो लाइनों को सोल्व कीजिए लाइन के इक्वेशन को सोल्व कीजिए वहाँ से और वाई की वैल्यू निकालिए और निकालने के बाद आपको मिलेगा आंसर ठीक है अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं क्या कुछ आंसर के अकॉर्डिंग ही क्या है अब यहाँ पे थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स टू की मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स टू की ये आपसे कहता है कि ट्वेंटी फाइव है और ये कहता कि 11 है कि अलेवन है देखिए चलिए सोल्व तो आपको करना ही है ठीक है इसको और इसको सोल्व करेंगे मतलब पहले और दूसरे इक्वेशन को सोल्व कीजिए पहले और दूसरे को सोल्व करना है मतलब एक्स प्लस वाई जी कोस्टू फाइव फोर एक्स माइनस वाई जी कोस्टू फिफ्टीन चलिए ऐड कर देते हैं फाइव एक्स इज इक्व टू कैंसिल आउट ट्वेंटी एक्स जी कोस टू फोर और वाई जिकोस टू कितना मिल जाएगा फाइव में से फोर जाएगा वन मतलब ये जो पॉइंट है वो आपका कितना है फोर और वन है ठीक है फिर ये क्या है ये आपका जो है ये लाइन और ये जो लाइन है आपकी ये कौन सी लाइन है बताइए ये आपका फाइव है हाँ है किस में है फाइव तो आपके इसमें है इसको और तीसरे वाले को सोल्व करके आप एक ही बेलू निकालिए पहले और तीसरे को सोल्व करके x प्लस वाई इजिक्वस टू फाइव माइनस एक्स प्लस फोर वाई इजिक्वस टू फिफ्टी। चलिए ऐड हम इसको भी करते हैं फाइव वाई इजिकॉस टू ट्वेंटी और यहाँ से वाई जिकोस टू कितना मिल जाएगा फोर और यहाँ से एक्स इजिकोस टू कितना मिल जाएगा वन ठीक है ये जो ए पॉइंट है वो आपका वन और फोर है सी निकालना है मतलब इसके और इसके इंटरसेक्शन से है मतलब क्या है दूसरे और तीसरे को सोल्व करना है क्या है दूसरे और तीसरे को सोल्व करना है ये आपको जो है x माइन माइनस मा एक्स प्लस फोर वाई एजिक टू आपको कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ठीक है माइनस एक्स प्लस फोर वाई एजिक टू फिफ्टीन और ये आपका 4x एक्स माइनस का y जीकोस टू फिफ्टीन है ठीक है दोनों फिफ्टीन है ओके किसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए फोर से कर देते हैं देखिए माइनस फोर एक्स सिक्सटीन वाई सिक्सटी फोर एक्स माइनस वाई जीकोस टू फिफ्टीन चलिए ऐड कर दिया हमने फिफ्टीन वाई एज इक्व टू एक मिनट फाइव किसी एक में रख दीजिए फाइव फाइव ये आपके पॉइंट ए बी सी सबकी वैल्यू मिल चुकी है ठीक है आप अब आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू किसके ऊपर देखना है थ्री एक्स वन प्लस फोर एक्स टू पे क्या है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है थ्री एक्स वन प्लस का फोर एक्स टू पे आपको देखनी है देखते हैं यही है थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स टू है ठीक है क्या देखेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू अब देखिए वन फोर पे चेक कीजिए वन पे और फोर पे चेक करेंगे तो ये आपका थ्री फोर टू या एट एट थ्री अलेवन और ये फाइव फाइव पे चेक करेंगे फाइव थ्री या फिफ्टीन फाइव टू या टेन तो ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव ये फोर वन पे चेक करेंगे फोर थ्री या ट्वेल्व प्लस टू वन या टू फोर्टीन कौन है ट्वेंटी फाइव इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन देगा ट्वेंटी फाइव दे देगा मतलब द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स टू इज ट्वेंटी फाइव कौन सा ऑप्शन ट्रू है फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू है थर्ड और फोर्थ में तो कहता है कि इसके पास कोई भी फाइनाइट मैक्सिमम नहीं है जी नहीं क्यों नहीं फाइनाइट है ट्वेंटी फाइव बताइए फाइनाइट नंबर नहीं है है फाइनाइट नंबर मतलब थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन है यही रोंग लिखा हुआ है ट्रू ऑप्शन आपका ओनली ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अब यहाँ पे आपको आना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे कहता है कंसिडर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम मैक्सिमाइज जेड यहाँ पे तीन वेरिएबल है थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस टू जेड सब्जेक्ट टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देस टू ट्व एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड लेस देन कोस टू फाइव ये तो आपका प्राइमल प्रॉब्लम गिवन है ठीक है प्राइमल से आपको क्या करना है आंसर जो है डुअल के अकॉर्डिंग पूछने की कोशिश कर रहा है ठीक है प्राइमल से आपको डुअल के अंदर पहले इसको कन्वर्ट करना है फिर अपने ऑप्शन को देखना है ठीक है पहले तो यहाँ पर हम जो प्राइमल प्रॉब्लम है उसको लिखते हैं देखिए यहां पे मैक्स जेड जी क्वेश्चन मैक्स क्वेश्चन आपका मैक्स थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस टू जेड है ठीक है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्व टू ट्वेल्व है और x प्लस टू वाई माइनस जेड लेस देन इक्व टू फाइव है x माइनस वाई प्लस जेड लेस देन इक्स टू टू है एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्व टू जीरो है ये प्रॉब्लम आपकी कैसी है प्राइमल है ठीक है इसका डुअल में आपको कन्वर्जन करना है डुअल में कैसे होएगा मैक्सिमाइजेशन का क्या हो जाता है मिनिमाइजेशन हो जाता है ये आपका होगा मिन ये क्या होगा अब तो जो है ये आपका ट्वेल्व यू वी डब्लू में कन्वर्ट किया गया है आंसर के अकॉर्डिंग कीजिए ट्वेल्व यू प्लस फाइव वी प्लस टू डब्ल्यू ठीक है ये होगा अब यहां पे सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स कैसे लिखे जाएंगे कॉलम वाइज लिखे जाते हैं इसलिए हम क्या करेंगे u प्लस वी प्लस डब्ल्यू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू अब यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन इक्व टू का साइन है क्या है ग्रेटर देन इक्व टू का साइन है तो आप ग्रेटर देन इक्व टू लगाएंगे और इसके राइट right साइड में कौन लिखेंगे ये यस का कोफिशियंट थ्री है ठीक है यहां पे आप आइए ये आपका यू प्लस टू वी माइनस डब्लू ये आपका ग्रेटर देन इक्व है तो ग्रेटर देन हम लगाएंगे ये क्या है वाई का कोफिशियंट फोर ये लिखा हमने फिर सिमिलरली यू माइनस वी प्लस डब्लू यू माइनस वी प्लस का डब्लू ये ग्रेटर देन इक्व का साइन है जेड के लिए भी

तो यहाँ से आप क्या करेंगे इसको सिम्प्लेक्स मेथड से सोल्व करेंगे और जब सोल्व करेंगे तो इसके पास क्या है फिजिबल सोलूशन मिलेगा क्या है फिजिबल सोल्यूशन मिलेगा और एक से ज्यादा मिलेगा ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द डुअल प्रॉब्लम इज टू मिनिमाइज टू प्लस फाइव पी प्लस टू डब्ल्यू हाँ ये ठीक है मतलब सेकेंड ऑप्शन भी ट्रू है थर्ड में कहता है वन ऑफ द ऑफ दॉब्लम यू माइनस वी प्लस डब्लू ग्रेटर टू एक तो ये वाला रहा जो कि ये है एक इसका ये है हाँ एक है नेक्स्ट में कहता है टू ऑफ द देंट ऑफ द प्रॉब्लम आर जो नेक्स्ट टू होंगे वो कौन होंगे यू प्लस वी प्लस डब्लू ये तो ग्रेटर देन इक्वेस्ट टू थ्री होगा और यहाँ पे क्या बोला है लेस देन इक्वेस्ट टू थ्री मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है ट्रू ऑप्शंस आपके कौन कौन से हैं ओनली आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड टू ऑप्शन है बाकी जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो आपका रॉन्ग ऑप्शन है अब आपको आना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर थर्टीन इस तरीके से आप क्या करेंगे प्राइमल से डुअल के अंदर चेंज करेंगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन मैक्स जेड इक्व टू टू एक्स प्लस फोर वाई सब्जेक्ट टू द कॉन्सटेंस क्या है एक्स प्लस टू वाई लेस देन इक्व टू फाइव एंड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्व टू थ्री अब यहाँ पे आपको जो है इसका सोलूशन देखना है ठीक है एक्स की वैल्यू जीरो तो वाई की वैल्यू फाइव बाई टू दैट मीन्स टू पॉइंट फाइव और वाई की वैल्यू जीरो तो एक्स की वैल्यू फाइव एक्स की वैल्यू जीरो ये आपका जीरो थ्री थ्री जीरो होगा ठीक है 2.5 ये आपका 2.5 है ये आपका 5 है ठीक है ये आपका जो है 2.5 है और ये आपका 5 है ये आपका 2.5, ये आपका 5। ठीक है अब यहाँ पे x की वैल्यू जो है 5 है ये रहा और y की वैल्यू 5 बाई टू मतलब 2.5 है ठीक है तो ये रहा इन दो पॉइंटों को हमने मीट करवाया लेस देन इक्वल्स टू है मतलब ओरिजिन की तरफ आने की कोशिश करेंगे ठीक है कोशिश नहीं करेंगे आएंगे अब यहाँ पे थ्री टू थ्री है मतलब x के वैल्यू थ्री y के वैल्यू थ्री तो यहाँ से आपको यहाँ पे कहीं पे थ्री मिलेगा ये थ्री है और यहाँ पे भी आपको थ्री मिल जाएगा मतलब ये भी हो जाएगा अब यहाँ पे जो कॉमन पोर्शन की बात की जाएगी तो सिर्फ यही होगा ठीक है ए बी सी और डी ए पॉइंट आपका जीरो जीरो है बी पॉइंट जो है आपका थ्री जीरो है और डी पॉइंट जो है आपका जीरो और फाइव बाई टू है ठीक है और सी पॉइंट आपके इंटरसेक्शन से मिलेगा चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वलिटी लगाते हुए सब हमने किया तो हम क्या करेंगे ये आपका टू माइनस वाई वाई जीकोस टू फाइव माइनस थ्री टू वाई की वैल्यू टू है तो एक्स जीकोस टू वन अब यहाँ पे मैक्स जेड देख लीजिए किस पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है वन टू है थ्री जीरो है जीरो जीरो है जीरो फाइव बाई टू है ओके ठीक है देखिए यहाँ पे रखेंगे टू वन जै टू फोर टू जो एट एट टू टेन थ्री टू जै सिक्स जीरो और फिर ये रहा वन जीरो और फाइव बाई टू 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 जै फोर फाइव टू जै टेन क्या है अब यहाँ पे क्या कहता है कहता है कि तो ऑप्टिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू किस पे किस पे इस पे और इस पे वन टू पे इसकी ऑप्टिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है हाँ मिल रही है क्या जीरो और टू पॉइंट फाइव मतलब फाइव बाई टू पे भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है हाँ मिल रही है क्या थ्री और वन थ्री और वन हमारा पॉइंट ही नहीं है ठीक है क्या है ये हमारा क्या पॉइंट है नहीं हमारा पॉइंट तो नहीं है इसलिए इसके ऊपर हम ऑप्टिमल वैल्यू नहीं बोल सकते थ्री और वन पुट करेंगे तो आपको टेन तो मिलेगा बट ये आपके पॉइंट के अंदर नहीं है आपके कॉमन पोर्शन का पॉइंट तो नहीं है ठीक है तो यहाँ से आपका सेकेंड रोंग हो जाएगा क्या यहाँ पे अनबाउंडेड सोलूशन है जी नहीं जब हमारे पास आपकी वैल्यू मिल रही है तो ये सोल्यूशन हमारा अनबाउंडेड सोलूशन हो ही नहीं सकता ठीक है तो यहाँ से आपको जो है ओनली फर्स्ट और थर्ड ट्रू ऑप्शन मिलेंगे सेकेंड और फोर्थ रोंग ऑप्शन मिलेगा ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग प्राइमल दिस विच आर दी फॉलोइंग आर ट्रू अब देखिए यहां पे फर्स्ट में कहता है कि प्राइमल के पास क्या है ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिलेगा सेकेंड में कहता है द प्राइमल हैज एन अनबाउंडेड अनबाउंडेड जब प्राइमल के पास है तो उस केस में जो डुअल होगा उसके पास क्या होगा कोई भी फिजिबल सोल्यूशन नहीं होगा ठीक है अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या अनबाउंडेड ही है क्या है अब यहाँ पे हमें चेक करना है क्या इसके पास अनबाउंडेड सोल्यूशन ही मिल रहा है देख लेते हैं जो लेस लेसनव टू और ग्रेटर टू होता है उसकी कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखती है एक्स लेस देनी थ्री, एक्स माइनस वाई लेस देन इक्व टू जीरो ठीक है? वाई की वैल्यू मतलब एक्स इज इक्व टू वाई क्या है एक्स इज इक्व टू वाई ये रहा और यहाँ पे एक्सर जी कोस्ट टू थ्री यहाँ पे रखेंगे ठीक है और फिर यहाँ पे आपको जो है लेस देन टू ये देखिए क्या आपको कॉमन पोर्शन मिल पाया क्या आपको कॉमन पोर्शन मिल पा रहा नहीं कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है मतलब कैसा है अनबाउंडेड है क्या है अनबाउंडेड है और अनबाउंडेड है तो यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम है कैसी है प्राइमल है और इसके करेस्पॉन्डिंग ही तो डुअल बनाई जाती है तो यहाँ से प्राइमर के पास कैसा अनबाउंडेड सोलूशन है तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो डुअल का नेचर है उसके पास कोई भी फिजिबल सोल्यूशन नहीं होगा और यहां से आपका जो है सेकेंड और फोर्थ ट्रू ऑप्शन हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन को हम आगे सोल्व करवाएंगे ठीक है और यहाँ पे जो ट्रो ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट और सेकेंड ट्रो ऑप्शन होगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन कंसिडर द मार्कोव चेन और यहां पे जो है ये क्वेश्चन इजी है इसको आप सोल्व भी कर सकते हो ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखिए कंसिडर द मार्कोव चैन विथ दिस ठीक है मार्कोव चैन का क्वेश्चन है सोल्व करते हैं यहां पे जो स्टेट है वो कितनी स्टेट है फाइव स्टेट यहां पे गिवन है ओके okay? वन बाई टू जीरो जीरो वन बाई टू जीरो जीरो वन बाई सेवन जीरो जीरो सिक्स बाई सेवन बाकी सब वन बाई फाइव है वन बाई थ्री जीरो जीरो टू बाई थ्री जीरो जीरो फाइव बाई एट जीरो जीरो थ्री बाई एट टोटल स्टेट कितनी है फाइव वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव टोटली यहाँ पे फाइव फाइव स्टेट है अब यहाँ पे क्या करना है आपको कहता है टू एंड फाइव सेम कम्युनिटी कम्युनिकेटिंग क्लास फोर एंड टू हैव सेम कम्युनिकेटिव कम्युनिकेटिंग क्लास का मतलब क्या है जैसे कि यहाँ पे कोई भी स्टेट हो उसके पास जाने का पाथ हो तो श्योर है कि उसके पास आने का भी पाथ होना चाहिए ठीक है यदि ऐसा होगा तो कम्युनिकेटिंग क्लास सेम कम्युनिकेटिंग क्लास में जाएंगे अब यहाँ पे देखिए इसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं ठीक है थीके? ये वन टू थ्री ये फोर और ये आपका फिफ्थ है ठीक है टोटली यहाँ पे कितना है फिफ्थ है फाइव आपकी स्टेट है वन से वन पे क्या है वन से वन पे पहुंचने का क्या कोई पाथ है हाँ है वन बाई टू वन से थ्री पे नहीं वन से फोर पे हाँ है क्या है वन बाई टू ओके टू से टू पे टू से टू पे मतलब लूप है हाँ है कितना है वन बाई सेवन प्रोबेबिलिटी टू से फाइव पे टू से फाइव पे जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी सिक्स अपॉन सेवन है ओके okay. थ्री से वन पे थ्री से वन पे कितना है वन बाई फाइव है थ्री से टू पे थ्री से टू पे वन बाई फाइव है थ्री से थ्री पे मतलब लूप है वन बाई फाइव थ्री से फोर पे थ्री से फोर पे हमें आना है तो हम इस तरीके से आ जाते हैं और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वन बाई फाइव थ्री से फाइव पे कितनी है प्रोबेबिलिटी वन बाई फाइव है फोर से वन पे फोर से वन पे कितनी है वन बाई थ्री है फोर से फोर पे लूप है कितना है टू बाई थ्री है प्रोबेबिलिटी फाइव से टू पे फाइव से टू पे जाना है प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है फाइव बाई एट फाइव से फाइव पे मतलब लूप है और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है थ्री बाई एट सेम कम्युनिकेटिंग क्लास का मतलब क्या है दोनों स्टेट जो स्टेट आपकी सेम कम्युनिकेटिंग क्लास में जाएंगी मतलब उसके ऊपर हम डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट उससे कम्युनिकेट हो रहे हो किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट में आ रहे हो ठीक है जैसे कि यहाँ पे हुआ यहाँ से वन हुआ और थ्री हुआ अब यहाँ पे वन से थ्री पे सिर्फ और सिर्फ थ्री से वन पे आने का पाथ है बट वन से थ्री के ऊपर क्या डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कोई भी रास्ता है जिसकी हेल्प से हम वन से थ्री पे भी जा सकते हैं नहीं वन से हम फोर पे आए बट फोर पे हम किसी भी सिचुएशन में बाहर नहीं निकल पाएंगे जिसकी हेल्प से हम थ्री पे पहुंच सके मतलब यहाँ पे जो कांटेक्ट में है वो कौन कौन है स्टेट जो वन है और फोर है ये प्रॉपरली एक दूसरे के कांटेक्ट में है वन से फोर पे फोर से वन पे ठीक है हम आ जा सकते हैं मतलब ये जो है इसके पास आ सकता है और ये जो है इसके पास आ सकता है मतलब ये वन और जो फोर है ये कैसा है ये आपकी कम्युनिकेटिंग क्लास के सेम में जाएगा मतलब जो कम्युनिकेटिंग क्लास है स्टेट वन की इसके अंदर जो है आपका वन फोर जाएगा और जो टू की कम्युनिकेट क्लास है उसके अंदर भी वन फोर जाएगा मतलब दोनों फ्रेंड हो चुके हैं क्या है जो स्टेट वन और फोर है ये दोनों फ्रेंड हो चुके हैं ठीक है थीके? जो ये पहचानता है वो यही जानता है जो ये जानता है वो ये भी जानता है ठीक है एज ए फ्रेंड ओके अब यहाँ पे टू और फाइव है क्या है टू और फाइव है अब यहाँ पे स्टेट और टू है और स्टेट और फाइव है दूसरी स्टेट और पांचवी जो स्टेट है दो से हम पांच पे ईजिली जा सकते हैं और फाइव से हम टू पे भी जा सकते हैं क्या फाइव से टू पे हम जा सकते हैं डायरेक्ट या है फिर इनडायरेक्ट डायरेक्ट जा रहे हैं ठीक है तो इसका मतलब जो टू है एक मिनट वन और फोर जो टू का कम्युनिकेटिंग क्लास है वो उसमें कौन जाएगा टू और फाइव और टू से हम किसी भी तरीके से और बाहर नहीं निकल सकते ठीक है और जो कम्युनिकेटिंग क्लास होगी कि इसकी फाइव की वो कितना होगा वो भी आपका टू और फाइव होगा मतलब टू और फाइव की जो कम्युनिकेटिंग क्लास है वो सेम है और ये वन और जो फोर है इसकी भी सेम कम्युनिकेटिंग क्लास बन रही है थ्री थ्री से जो है वन पे हम जा सकते हैं, बट वन से थ्री पे हम नहीं आ सकते थ्री से हम टू पे जा सकते बट जो है रिटर्न हम थ्री पे नहीं आ सकते थ्री से हम फाइव पर भी जा सकते हैं बट फाइव से रिटर्न हम थ्री पर नहीं आ सकते इसका मतलब जो थ्री के कम्युनिकेटिंग क्लास होगी वो इट की होगी मतलब यहाँ पे जो थ्री की कम्युनिकेटिंग क्लास है वो इट होगी और यहाँ से जो है आपको जो बच गया वो इट में जाएगा ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव थ्री जो है इट के कम्युनिकेटिंग इसका मतलब क्या है जब कोई भी पर्सन है वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं है फ्रेंड नहीं उसका इसका मतलब वो इट तो रह ही सकता है क्या है वो इट्सल्फ अकेला तो रह सकता है ठीक है तो वो अकेले ही रह लेगा ठीक है तो यहाँ से जो कम्युनिकेटिंग क्लास है थर्ड की वो कितनी आएगी थ्री आएगी अब जो है आप आंसर को मैच करवाइए कि कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू ऑप्शन होगा स्टडी तो आपने कर ली है आप आंसर देखने की बारी है कहता है कि टू एंड फाइव हैव सेम कम्युनिकेटिंग क्लास हाँ जो टू है और जो फाइव है इनकी जो कम्युनिकेटिंग क्लास है वो सेम है हाँ है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू ऑप्शन है फोर एंड टू हैव सेम कम्युनिकेटिंग क्लास जी नहीं क्या वन फोर टू फाइव के इक्वल है जी नहीं इक्वल तो नहीं है मतलब जो वन और फोर है एक मिनट फोर और जो टू है ये हमारे सेम कम्युनिकेटिंग क्लास में नहीं है क्योंकि हमने देख लिया है तो यहाँ से हमारा सेकेंड रोंग हो जाएगा थर्ड में कहता है वन एंड फोर हैव सेम कम्युनिकेटिंग क्लास हाँ वन और फोर की जो कम्युनिकेटिंग क्लास है वो सेम आ रही है हाँ ठीक है तो यहाँ से थर्ड हमारा ट्रू हो जाएगा फोर्थ में कहता है थ्री एंड वन हैव सेम कम्युनिकेटिंग क्लास जो थ्री है और जो वन है वो सेम कम्युनिकेटिंग क्लास में जा रहे हैं क्या ऐसा है नहीं दिस इज इम्पॉसिबल हमारा फोर्थ ऑप्शन ट्रू नहीं है ट्रू ऑप्शन हमारा कौन कौन सा है ओनली फर्स्ट और थर्ड हमारा ट्रू ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा सेवनटीन है यह क्वेश्चन भी हमारा मार्कोव चेन से ही लिया गया है ठीक है कंसिडर द मार्कोव चैन ऑन स्टेट स्पेस एस एन टू थ्री प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आपको गिवन है क्या है देखिए क्या गिवन है यहां से आपको जो है स्टेशनरी पॉइंट निकालना है और डी वन डी वन क्या है स्टेट वन का पीरियड है क्या है स्टेट वन का पीरियड है उसको कैलकुलेट करना है देखिए करते हैं और ये क्वेश्चन आपके पार्ट सी का क्वेश्चन है जीरो वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू जीरो वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू एंड जीरो ठीक है अब यहाँ पे पाई जी कोस टू क्या है पाई, 1, पाई, 2 and पाई 3. वन पाई टू एंड पाई थ्री आपको डी वन निकालना है मतलब लैमदा वन लैमदा वन लैमदा को आप पीरियड को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लैमदा से पीरियड है ये कौन है स्टेट वन का पीरियड बतानी है ठीक है और यहाँ से पाई वन पाई वन का मतलब स्टेशनरी पॉइंट में पहला वाला पॉइंट बताना है मतलब स्टेट वन का स्टेशनरी पॉइंट ठीक है ये है वर्क ठीक है करते हैं क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए क्या ये स्टोचो स्ट्रिक मैट्रिक्स है पहले तो इसका डायग्राम बनाइए डायग्राम तीन स्टेट वन टू थ्री टू थ्री वन से टू पे पाथ है हाँ प्रोबेबिलिटी कितनी है वन बाई टू वन से थ्री पे हाँ है ये रहा वन बाई टू टू से वन पे हाँ जा सकते हैं वन बाई टू है टू से थ्री पे श्योर है जा सकते हैं वन बाई टू है थ्री से वन पे थ्री से वन पे भी हम जा सकते हैं वन बाई टू है थ्री से टू पे या चले गए वन बाई टू है ठीक है अब ये जो स्टेट है वन टू थ्री ये आपकी इ चेन है क्या है इ चेन है क्यों क्योंकि हम वन से किसी भी स्टेट पे जा सकते हैं टू से भी हम किसी भी स्टेट पे जा सकते हैं थ्री से भी हम किसी भी स्टेट पे जा सकते हैं मतलब ये जो चैन है ये टूटी हुई नहीं है, मतलब है, मतलब चैन ठीक है ये रहा आपका कॉन्सेप्ट और ये होने के बाद आपको क्या है यहां से आपको जो है डबल मैट्रिक्स है मतलब एवरी रो का सम भी वन हो जाए और साथ ही साथ एवरी कालम का भी संपन्न हो जाए तो ये इस तरीके से जो मैट्रिक्स होगी वो हमारी डब्लू स्टोचिक मैट्रिक्स होगी ठीक है तो ये हमारी वन है ये भी हमारी वन है ये भी हमारी वन है सब हमारी वन है ठीक है ये जो मैट्रिक्स है डब्लू स्टोचस्टिक मैट्रिक्स है इरोड्यूसिबल है और एप्रियोडिक है ठीक है तो यहाँ से जो है आपको पाई वन इज इक्व टू पाई टू इज इक्व टू पाई थ्री ये सभी के सभी इक्वल होंगे और किसके इक्वल होंगे वन अपन नंबर ऑफ स्टेट्स टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है तीन तो यहाँ से वन बाई थ्री मतलब जो पाई वन है ये आपको वन बाई थ्री मिल जाएगा जो पाई टू है ये भी आपका वन बाई थ्री है जो पाई थ्री भी है ये भी आपका वन बाई थ्री है बट यहाँ पर सबकी वैल्यू नहीं पूछा है सिर्फ और सिर्फ पाई वन की वैल्यू पूछा है तो हम निकाल के बताएंगे कि इसकी वैल्यू वन बाई थ्री आएगी अब डी वन मतलब स्टेट वन का जो है आपको क्या बताना है पीरियड बताना है मतलब वन से वन के ऊपर हम कितने स्टेप में पहुंच सकते हैं और उनकी जी सी डी वन से क्या हम वन स्टेप में आ सकते हैं नहीं टू स्टेप में हाँ जा सकते हैं वन से टू पे हम गए टू से वन पे आए फिर वन से हम थ्री पे गए थ्री से हम वन पे आए हाँ टू स्टेप में अब किस तरीके से आप जा रहे हैं उसको मत बताइए सिर्फ ये बताइए कि क्या आप टू स्टेप में जा सकते हैं या नहीं हाँ जा सकते हैं तो यहाँ से टू रहा क्या तीन स्टेप में आप जा सकते हैं वन पे हाँ वन से हम टू पे जाएंगे टू से हम थ्री पे जाएंगे और थ्री से हम वन पे आ जाएंगे मतलब तीन स्टेप में भी हम जा सकते हैं ठीक है क्या फोर स्टेप में जा सकते हो आप हाँ जा सकते हैं वन से टू पे टू से थ्री पे थ्री से टू पे टू से और टू से वन पे वन टू थ्री एंड फोर फोर स्टेप हुआ अब इन सबकी जिसे डे लेनी है अब जी लेनी है तो स्टार्टिंग में आपने देख लिया टू और थ्री दोनों डिस्टिंक्ट नंबर है दोनों डिस्टिंक्ट है और एक दूसरे से पास ही पास है तो यहाँ से इनकी टू टू और थ्री में कोई भी एलिमेंट कामन तो नहीं है कोई भी फैक्टर नहीं है इसके पास तो इसका मतलब इसकी जो जी है वो कितनी आएगी जी इनकी वन आएगी ठीक है जो इसका स्टेट वन है इसका जो पीरियड है वो कितना आएगा वन आएगा डी वन इज टू आपको कितना मिल रहा है one, और पाई आपको चेक कि कौन सा आंसर आपका ट्रू ऑप्शन होगा क्या है चेक करना आपको है है कि कौन सा आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पे जो फर्स्ट है और जो सेकेंड है यहाँ पर ट्रू है बाकी थर्ड फोर्थ आपका रॉन्ग ऑप्शन है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन कहता है स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाई फिफ्टी सेवन हंड्रेड ट्वेंटी वन अलेवन जीरो ट्वेंटी फाइव ये आपका क्या होगा फिफ्टीन से सेवन से और ट्वेंटी वन सबसे डिवाइड होगा नेक्स्ट नाइनटीन में कहता है टू फोर सिक्स एट टेन एंड सो वन आर प्राइम नंबर ओड नंबर नेचुरल नंबर इवेंट नंबर ये आपके कैसे नंबर इवेंट नंबर क्योंकि टू से डिविजिबल है ठीक है वाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट रिमाइंडर रिमेनिंग नंबर इज डिविजिबल बाई फिफ्टीन अब इस नंबर को क्या कर दीजिए आप फिफ्टीन से डिवाइड कर दीजिए और फिफ्टीन से जब आप क्या करेंगे फोर टू सेवन थ्री नाइन एट को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो है लास्ट में थ्री की कमी आएगी और थ्री की कमी के कारण ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो पाएगा मतलब इसमें यदि हम थ्री को ऐड कर दें तो ये जो है हमारा नंबर क्या हो जाएगा फिफ्टीन से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा और यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आपका एक मिनट सेकेंड आपका ट्रू है सेकेंड में थर्ड आंसर लिखा हुआ है, ठीक है तो सेकेंड ऑप्शन आपका टू ऑप्शन है और यहाँ पे आपने जो है एल पी पी और मार्कोव चेन का कंप्लीट सोल्यूशन आपने कर लिया है ठीक है और आई होप एग्ज़ाम के अंदर भी आप ऐसा ही परफॉर्मेंस करेंगे अच्छे से क्वेश्चन को सोल्वर करेंगे और अपना मार्क गेन करेंगे ओके